धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां जाड्यांधकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदेतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सारदां सरस्वती माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी सर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो तकनीकी है इसमें कभी कभी ये दिक्कतें आती हैं और हमारे द्विवेदी सर ने उसको अपने स्तर से हमारी जो समस्या थी उसका समाधान करके कार्यक्रम का शुरुआत कर दी है। मैं क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो डॉक्टर अतुल कुमार कनौजिया जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और वेबिनार का संक्षिप्त विवरण सबके सामने रखें। डॉक्टर अतुल जी, जी मेरी आवाज आ रही? सुनाइए। जी आवाज आ रही है सर, आ रही है। नमस्कार सभी को, प्रणाम मेरा। रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय अकबरपुर अम्बेडकर नगर के एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के अंतर्गत आज दिनांक 2 जुलाई को आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महाविद्यालय की आदरणीय प्रचार मैडम का मैं अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से और अपने प्रतिभागियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में हम सभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं साथ ही मुख्य अतिथि और अपने सम्मानित वक्ताओं का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वेबिनार भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के देखो अपना देश स्लोगन के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आयोजित हो रहा है। इस वेबिनार में हम भारत के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, लोक कला, वस्त्र, धर्म, भाषा और परंपराओं को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया था। इस योजना के माध्यम से हम एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों की भाषा और कला और लोक परंपराओं को जानने और उसका उचित ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों में आपसी भाईचारा, बंधुत्व की भावना प्रगाढ़ हो और आपसी संबंधों को मजबूती प्राप्त हो, जिससे हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती मिलेगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश राज्य से हमें 2 पूर्वोत्तर के राज्यों को युग्मित किया गया है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। हम इस वेबिनार के माध्यम से वहां की सांस्कृतिक विविधता
और वहाँ के लोक कलाओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे और इस वेबिनार से हमारे सभी पार्टिसिपेंट को ये समझने का अवसर भी मिलेगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वेबिनार में आए हुए विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा हमें अपने पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न और अन्य राज्यों के विभिन्न परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत को समझने और जानने का मौका मिलेगा। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए इस वेबिनार में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सर, आपने वेबिनार की रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत की। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर दीपाली सिंह जी को बड़े अदब के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हमें आशीर्वाद दें, साथ ही अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है। भारतीय संस्कृति की विविधता पूरे विश्व को अचंभित और आकर्षित करती है। हमारे विशाल देश में देखने और समझने के लिए इतना कुछ है कि शायद एक जीवन कम पड़ जाए, काफी नहीं होगा इसको एक जीवन में समझ पाना या देख पाना पूरे देश को। हमें अपने देश पर गर्व है और गर्व है कि हम भारतीय हैं। भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अपने देश की इसी को समझने सर दी है। इस योजना के अंतर्गत देखो अपना देश स्लोगन के अंतर्गत रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के EBSB क्लब द्वारा इस राष्ट्रीय वेबिनार को आयोजित किया गया है। मैं इस पुनीत अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग की संरक्षिका परम श्रद्धेया उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा जी को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सेवानिवृत्त प्राचार्य परम आदरणीय प्रोफेसर अजय मिश्रा और हमारे विद्वान वक्ताओं राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर विश्वजीत कुमार मिश्रा जी का, रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर अंबेडकर नगर के डॉक्टर विश्वनाथ द्विवेदी जी का, राजकीय महिला पीजी कॉलेज सेवापुरी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एस एन वर्मा जी का, रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद परवेज जी का, समस्त प्रतिभागियों का, हमारे महाविद्यालय परिवार का, छात्राओं का और संचालक महोदय आपका भी, कोऑर्डिनेटर कन्वीनर सभी का पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं कार्यक्रम के आयोजक मंडल को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के आयोजन में परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से पूरे महाविद्यालय परिवार का सहयोग प्राप्त हुआ है और सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें और यह वेबिनार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे। हम अपने देश की विविधता, विविध संस्कृति को समझने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी छात्राओं के लिए, हमारे जो भी प्रतिभागी हैं, उसमें आप सफल हो, इसके लिए मेरी मंगल कामनाएं हैं। हमारे जो पीयर स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, वहां की संस्कृति को खास तौर पे जानने और पूरे देश की संस्कृति के बारे में जो भी पुनरावलोकन, जो भी हमारे विद्वान वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम
सफलता को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका आशीर्वाद हमें मिला और हमें उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से और वक्ताओं के अच्छे वक्तव्य से ये कार्यक्रम सफल होगा। और मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर बड़े हुए हमसे अखिलेन जी, हाँ बताएं, त्रिवेदी सर को बुलवा लीजिए और थोड़ा सा सर यहाँ बाढ़ आई है तो हाँ वो मुझे पता चला। ठीक है ठीक है, तो मैं वक्तव्य आ जाए तो हम आपको सुनवाएंगे। तो मैं अब डॉक्टर विश्वनाथ द्विवेदी जी हमारे वक्ता के रूप में हमें लाभान्वित करेंगे। मैं बता दूं आप एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग रामाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय अकबरपुर में हैं। आप 40 से अधिक शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं, आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आपका काव्य संग्रह और 1 शोध ग्रंथ अभी प्रकाशनाधीन है। इसके साथ ही स्पंदन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के आप अध्यक्ष हैं और अवध साहित्य परिषद के आप सक्रिय सदस्य हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं बड़े सम्मान के साथ कि आप आए और हमें इस विषय पर लाभान्वित करें। डॉक्टर वेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सुधी संचालक हमारे अनुज डॉक्टर अखिलेन्द्र प्रताप सिंह जी को मैं सविनय प्रणाम करता हूँ। अपने महाविद्यालय की सुयोग्य प्राचार्य जो हम सबकी मेरुदंड है, संस्था के अध्यक्ष हैं, जिनके सत परामर्श से ऐसे सुकृत्य महाविद्यालय में घटित होते रहते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की संरक्षिका और हम सबकी अगुआ प्रोफेसर वंदना शर्मा जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उनकी अनुज्ञा से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आज के अवसर पर मैं उनका भी स्मरण करता हूँ और उनके प्रति अपनी जो हमारी भाव अंजलियां हैं वो मैं व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के जो नियोजक हैं, संयोजक हैं, हमारे अनुज जो बड़े ही ऊर्जावान हैं, डॉक्टर अतुल कुमार कनौजिया जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की संरचना की और उनके मन में ये भाव आया कि इस तरह का एक कार्यक्रम क्या है। मुझे स्मरण है कि जब डॉक्टर मनोज गुप्ता जी ने समाजशास्त्र विभाग के अंतर्गत कार्यक्रम रखा था तभी हमारी प्राचार्य मैडम ने ये प्रश्न किया था कि भाई अगला वेबिनार कौन कर रहा है, और ये साहस दिखाने का कार्य अतुल कुमार जी ने किया। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा महाविद्यालय इस विषय में बड़ा धनी है कि जो भी कार्यक्रम होते हैं एक टीम वर्क के साथ होते हैं, सबका उसमें अन्योन्याश्रित संबंध होता है, इसलिए हम सब कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि सब लोग मिल करके हमारी समितियों में तमाम सारे सदस्य हैं, कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई कन्वीनर है, कोई उसका कर्ता धरता है, कोई संचालन कर रहा है, यह सब उस वटवृक्ष की छाया जैसी महाविद्यालय की जो प्राचार्य हैं उनकी कृपा से संपन्न हो रहा है। मैं अपने विषय पर आना चाहूंगा, जैसा कि आज के कार्यक्रम का विषय रखा गया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जिसके क्लब के प्रभारी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार कनौजिया जी हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति के विविध आयाम और उसका एक पुनरावलोकन यह विषय रखा देखो अपना देश के अंतर्गत। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा अपने साधुवाद देते हुए, जब भी हम देश की बात करते हैं, जब हम देश कहते हैं तो हमारे सामने एक स्थान विशेष की सीमाएं रेखांकित हो जाती है। जब हम देश कहते हैं तो हमारे अंदर एक राष्ट्र मूर्तिमान होने लगता है और जब भी हम राष्ट्र की संकल्पना की बात करते हैं तो एक ऐसा अमूर्त राष्ट्र भिन्न सारी कलाओं में, संस्कृतियों में, व्यक्तियों में, नागरिकों में स्पंदित होने लगता है, प्रतिध्वनित होने लगता है। ऐसा विषय जो बड़ा व्यापक है भारतीय संस्कृति के विविध आयाम, जब भी हम भारतीय शब्द कहते हैं
तो मन गौरव से प्रफुल्लित होता है, मन बड़ा रोमांचित होता है कि भारतीय संस्कृति, अभी हमारी प्राचार्य मैडम ने कहा कि पूरी दुनिया में इस संस्कृति का अपना बोलबाला है। अगर हम आर्य संस्कृति से लेकर अब तक का की श्रृंखला का पुनरावलोकन करें, मैं समझता हूँ इसके लिए बड़े लंबे समय की जरूरत है, पर जैसे ही ये शब्द उच्चरित होता है भारतीय संस्कृति, वैसे मन बड़ा रोमांचित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है कि जिसके कारण हम विश्व में जगत गुरु के रूप में जाने जाते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति जिसमें तमाम सारे आरोह अवरोह आए, न जाने कितने आक्रांता आए, किंतु हमारी संस्कृति को जो अक्षुण है इसे कभी नष्ट नहीं कर पाए। तमाम सारे हमारे ग्रंथ नष्ट किए गए, विश्वविद्यालय नष्ट किए गए, तमाम सारी लाइब्रेरी नष्ट की गई, परंतु हमारी संस्कृति आज भी अक्षुण है, ये बड़ी बात है। मैं इसके लिए बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखना चाहूंगा, मुख्य मुख्य बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। जब भी मैं संस्कृति शब्द का उच्चारण करता हूँ तो सीधा सा अर्थ है संस्कर्तुम करोत, यह संस्कृति जो हमारा परिष्कार करे, जो हमारा संस्कार करे। एक भाषा है और दूसरी संस्कृति, संस्कृत और संस्कृति दोनों में अंतर है। जो संस्कृत का भाव धारण करता है वो संस्कृति है, और वह संस्कृति सभी अपने 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 राष्ट्रों की, अपने अपने देशों की, अपनी अपनी सीमाओं की एक संस्कृति होती है जो हमें कल्ट करती है, जो हमें कल्टिवेट कर देती है, वो हमारी संस्कृति। और वह संस्कृति जो हमारे अंदर संस्कारों को उत्पन्न करती है उसे हम संस्कृति कहते हैं। जब भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर दृष्टिपात करें तो मैं समझता हूँ कि जब भी हम संस्कृति कहते हैं तो संस्कृति के तीन प्रमुख आयाम हमें दिखाई देते हैं। किसी राष्ट्र निर्माण में जो तीन प्रमुख तत्व हैं उसमें पहला भूमि, दूसरा जन और तीसरी संस्कृति। यानी कोई एक निश्चित भूभाग होगा, उस पे बसने रहने वाले नागरिक होंगे और उन नागरिकों की कोई संस्कृति होगी, उस बृहत्तर भूभाग पर बसने वाले नागरिकों की कोई संस्कृति जो उनकी पहचान है, जिनके माध्यम से हम जाने जाते हैं। तो जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत पहले लिखा था, जब वह हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, उन्होंने कहा था गर फिरदौस बरवे जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। उन्होंने उद्धृत किया था इसे कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। हालांकि उन्होंने कश्मीर को लेकर के बात कही थी, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भी भारतीय भूभाग फैला हुआ है, जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा कि विविधता में एकता, डाइवर्सिटी है, और ये विभिन्न प्रांतों में, भूभागों में, जनपदों में, अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसको देख करके मन हमारा अभिभूत हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है कि इतनी विशाल संस्कृति, इतनी व्यापक संस्कृति, जिधर भी चले जाएं उधर प्रकृति का इतना सर्वांग स्वरूप है कि उसे आत्मसात कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कितना हम आत्मसात कर पाए। बहुत सारी चीजें छूटी जा रही हैं भारत में। अभी जैसे हमारी प्राचार्य मैडम ने कहा कि जिधर कहीं भी निकल जाइए, चाहे वो आप पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, उत्तर में, दक्षिण में जाइए, उत्तर में हिमालय पैर पखार रहा है, जैसे लगता है भारत माता का उदात्त चित्र चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है ये बड़ी व्यापक है, बड़ी उदात्त है, और इसमें जो प्रकृति का मनोरम स्वरूप बसा हुआ है ये मानो एक दैवत्व स्वरूप हमें प्रदान करता है। हम तो मानव जीवन के माध्यम से जो कुछ हमें मिलता है हम उसके तो ऋणी है ही है, लेकिन हमारी जो प्रकृति है जिसके माध्यम से एक अदृश्य सत्ता के दर्शन हमें होते हैं, हम उसके प्रति भी ऋणी है, क्योंकि बादल हमें जल देता है, सूर्य हमें ऊष्मा देता है, चंद्रमा हमें चांदनी देता है, और किसी तरह का कोई बिल का भुगतान हम नहीं करते हैं। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। भारत जैसा देश जहाँ समशीतोष्ण वातावरण है, यहाँ हमें ठंडक भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है, सब तरह की ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारे मित्रों में जो ये सद्विचार आए, अच्छे भाव आए कि भारतीय संस्कृति के विविध आयामों पर एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाए जिस पर सब लोग मिलकर के मंथन करें, चर्चा करें, और जो नवनीत निकले इससे उस नवनीत को हम पूरे देश में बांटे। तो मैंने जिस समय अतुल जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था सर कोई एक विषय निर्धारित, तो हमने कहा जैसा भी आप उचित समझे। उन्होंने मुझे
अवधि भाषा एवं साहित्य पर कुछ कहने को कहा था। मुझे ये लगता है कि जब हम अवधि की बात करते हैं, अब जब हम अवध की बात करते हैं या जो जब अवधि भाषा की बात करते हैं, तो अब तो 16-17 जनपद हैं जहां अवधि बोली जाती है। और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अगर अवध प्रांत की बात ना की जाए, यहाँ के परिधान परिवेश की बात ना की जाए, यहाँ के आबोहवा की बात ना की जाए, यहाँ के व्यंजनों की बात ना की जाए, यहाँ के साहित्य की बात ना की जाए, तो मैं समझता हूँ कि बात हमारी अधूरी सी रह जाती है। तो शायद उन्होंने बहुत सुविचारित ये प्रश्न किया और ये विषय उन्होंने रखा, तो मैंने इसे स्वीकार किया। और मैं समझता हूँ जब भी मैं अवध शब्द कहता हूँ, आज जैसा मैंने कहा कि 17-18 जनपदों तक ये सीमित रह गया, पहले कभी अवध प्रांत हुआ करता था। अगर प्राचीन इतिहास उठा करके हम देखें तो अवध प्रांत का क्षेत्र बड़ा व्यापक हुआ करता था। और मैं समझता हूँ कि अगर इसके शाब्दिक या अभिधार्थ पर हम जाएं, तो अवध माने वह क्षेत्र या वह साहित्य या ऐसी भाषा जो कभी मरती नहीं। वध में आ उपसर्ग लगा हुआ, अवध माने जो कभी नष्ट नहीं होती है, जो कभी मरती नहीं है, जो कभी समाप्त प्राय नहीं होती है, ऐसी भाषा और साहित्य को हम अवधि के नाम से जानते हैं। और जब भी हम इसके इतिहास पर बात करें, अगर आपको साक्ष्यों के साथ बात करने की जरूरत पड़े, तो मैं समझता हूँ कि अवधि का इतिहास अभी बहुत पुराना नहीं है। एक अवधि भाषा का जो इतिहास है 1000 वर्ष पुराना है। अगर मैं बहुत पीछे न जाऊं, कासिम शाह दरियाबाद या यूसुफ जुलेखा शेख साहब की, या जायसी से मैं प्रारंभ करूं और अद्यतन साहित्य तक आऊं, जो आधुनिक अवधि साहित्य है जिसके सशक्त हस्ताक्षर रमई काका जी हैं या बंशीधर शुक्ल जी हैं, बलवंत प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी हैं, आद्या प्रसाद उन्मत्त जी हैं, या विश्वनाथ पाठक जी हैं, या और तमाम सारे रचनाकार हैं, तो मैं समझता हूँ उन्होंने भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो अवध का साहित्य है, जो अवधि भाषा है, उसका बड़ा यशोगान किया है। यशोगान उन्होंने निराधार नहीं किया है, क्योंकि यह इतना यशस्वी, इतना ओजस्वी, इतना तेजस्वी साहित्य है कि मैं समझता हूँ कि पूर्वी हिंदी में जब तक इस समर्थ बोली का जिक्र ना किया जाए, तब तक भाषा का मर्म अधूरा रह जाता है। तो ऐसे उन्होंने तमाम सारे क्षेत्रों का उल्लेख किया है, और मैं समझता हूँ कि शायद यही कारण है कि जायसी का पद्मावत हो, अखरावत हो, आखिरी कलाम हो, या चांदायन हो, या और इस तरह की रचना हो, या जिसे हम यूसुफ दुलेखा कहते हैं, ये रचनाएं इतने लंबे समय से हमारे साहित्य में क्यों जीवंत बनी हुई हैं, या कभी आउट ऑफ डेटेड क्यों नहीं हो पा रही हैं, इनकी चिर प्रासंगिकता है, ये सदैव प्रासंगिक। मैं समझता हूँ कि विगत 600 वर्षों से लेकर आज तक तुलसी का रामचरितमानस जो इतना प्रासंगिक बना हुआ है, जिसका आज भी घर घर में पारायण हो रहा है, मैं समझता हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा जो सरोकार है वो भाषा का है। क्योंकि तुलसी जानते थे कि हम जिस अवध क्षेत्र की राम कथा का गायन करने जा रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र की नब्ज को टटोला था और ये समझा था कि जब तक इस भाषा को इस क्षेत्रीय भाषा में पिरोया नहीं जाएगा, तब तक इस ग्रंथ को वो मान नहीं मिलेगा जो इसे मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर तुलसी चाहते तो वाल्मीकि से भी उत्कृष्ट कोटि की संस्कृति में इस रचना को लिख सकते थे, कर सकते थे। जैसा कि उन्होंने कांडों के प्रथम में श्लोक लिखा, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम, इस तरह की संस्कृत। लेकिन वह जानते थे समाज की नब्ज को टटोल रखे थे, वह जानते थे कि संस्कृत भाषा अब 50% मेरे बीच है, क्योंकि इसके पढ़ने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, पर बोलने वाले और समझने वाले बहुत कम रह गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि अवध क्षेत्र की इस गाथा को जब तक अवधि का स्वरूप नहीं दिया जाएगा, तब तक इस, और वो लिखते भी कीरत भनित भूति बल सोई, दुर्सर इसम सबका हित होई, प्रिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। और ये भी उन्होंने किया कि सुगम अगम मृदुमंज कठोरे, अर्थ अमित आखर अति थोरे, बड़े सरल शब्दों में, बड़े मार्दव और सुबोध शब्दों में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। मैं समझता हूँ इसकी जो प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी हुई है, उसके पीछे दो ही चीज है।
जो आदर्श है, जो भारतीय जीवन के मानवीय मूल्य है, जो भारतीय जीवन का परिवेश और परिधान है, मैं समझता हूँ कि इसी कारण से ये अवधि आज भी पूरब से लेकर पश्चिम तक जीवंत बनी हुई है। अब अगर मैं वैश्वर्य की अवधि की बात करूं, जो विशेषकर रायबरेली और उन्नाव में बोली जाती है, एक खंड अगर इसको कर लूं और 15 जनपदों में, जिसमें शाहजहांपुर के इधर से लेकर फिर लखनऊ है, बाराबंकी है, और फिर इधर आपका फैजाबाद है, और तमाम सारे क्षेत्र हैं, उसमें जिस अवधि का प्रयोग किया गया है वो बड़ी महत्वपूर्ण अवधि है। और मैं समझता हूँ कि हम कितनी भी परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर लें, लेकिन अवध क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने मित्रों के बीच में बैठकर, अपने घर में बैठकर के जब अवधी भाषा में संवाद करते हैं, अवधी भाषा में आपसी बातचीत करते हैं, तो उसका जो आनंद है, उसकी जो मृदुलता है, उसका कहना ही क्या है। उसमें तमाम तरह के जो क्षेत्रीय शब्द हैं, उनके जो ग्राहक हैं, उसको जो समझने वाले हैं, उसमें जिस तरह का आनंद लेते हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे देश की इस भाषा की विशेषता है, इस बोली की विशेषता है, और भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जो हमारे मर्म का स्पर्श करती है। अगर मैं छोटी छोटी दो तीन छड़िकाएं कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे वेबिनार में समय की बड़ी महत्ता होती है, तो मैं निश्चित रूप से अपनी बात को बहुत इसी सारगर्भित दो चार छह वाक्यों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। मैं अगर और कुछ नहीं, एक समय था जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, तो चौपाल में रोज शाम रमई काका की कविताएं रेडियो पर हम लोग सुनने एक जगह इकट्ठा होते थे। वो समय था जब सबके घर में रेडियो भी नहीं हुआ करता था, तो जिनके यहाँ होता था हम लोग जाते थे, डूब कर बैठ जाते थे। तो मैंने सुना तब की दो चार छह कविताएं याद है अवधि की, मैं आपको सुनाता हूँ। रमई काका ने उस समय एक बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी छड़िका लिखी। वो एक छोटा बच्चा है जो अपने पिता से कहता है, बहुत छोटा है, अभी अबोध है, समझ रही है, और देखिए अपनी बात कैसे रखता है कि पिताजी मैं भी विवाह करूंगा, तो तुम किससे विवाह करोगे? तो वो कहता है कि मैं दादी माँ से शादी करूंगा। तो कैसे कैसे उन्होंने लिखा कि अब आवत याद बचपने की, बप्पा ते कहा करब शादी, बप्पा बोले दुल्हन है कहाँ, हम कहा कि है बुढ़िया दादी। तो दुलराए के बोले बप्पा, बेटा तू बड़ा निकम्मा है, दादी से शादी ना होगी क्योंकि वो मेरी अम्मा है। तब तो हम कहा कि और ठीक, अब पूरी बने जले चूल्हा, तुम हमारी अम्मा के दूल्हा, हम तुम्हारी अम्मा के दूल्हा। आपने मेरी माँ के साथ विवाह किया है, तो मैं भी आपके माँ के साथ विवाह करूंगा। इस तरह छोटी छोटी कविताएं, चाहे मुकदमा हो, चाहे कचहरी हो, बौछार है, फुहार है, भिंसार है, ऐसी छोटी छोटी रचनाएं जो अवधि का मार्दव प्रस्तुत करती। एक छोटी सी रचना उनकी और मुझे याद आ रही है, हम गए अमीनाबाद माँ, जहाँ कप्पू भारी रहे भीड़, द्वितला 4 रुपया माँ हम बेसहा सोने की जंजीर, बेसहा मैंने खरीदना, द्वितला 4 रुपया माँ हम बेसहा सोने के जंजीर, वो देख घरे तिन गलगल भई, बोल 4 दिन माँ रंग बदला, उन कहें कि पीतर ले आयो, हम कहा बड़ा धोखा होएगा। ये शीर्षक भी है, यही बड़ा धोखा होएगा। हम गए अमीनाबाद माँ, कच कपड़ा ले बजाजा माँ, माटी की सुगर मेहरिया जहाँ खड़ी रहे दरवाजा माँ, हम जाना दुकान की मलकिन स्वभाव ताव पूछे लागिन, या के बोले या मूरत है, हम कहा बड़ा धोखा होएगा। फिर धस गए दुकाने भीतर, जब मेहरेऊ या के रहे खड़ी, मुंह पाउडर पोते उजर उजर और साड़ी पहने सुगर बड़ी, हम जाना माटी के मूरत, एक बार धोखा हो चुका था रमई काका से, तो उनको लगा कि पहले लाओ स्पर्श करके देख ले, अगर सजीव होगी तो बोलेगी ही, तो हम जाना माटी की मूरत, सो साड़ी पर जब हाथ धरा, कोई भकुर भकुर खौखाए उठी, हम कहा फिरो धोखा होएगा। फिर वो लिखते हैं कि लड़कोनू बीए पास, किहिन पुतहु का बैर का कहराते, कोई करिया अक्षर भैंस कहे या चीछा लेदर देखो। लड़का पढ़ा लिखा था, पर जो पुत्रवधु आई वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी, चीजों को ठीक से नहीं समझती थी, तो कैसी विसंगति का वर्णन किया रमई काका ने। लड़कऊ चले स्नान करे, तब साबुन का उन सोप कहा, बहुरे वाले के सूप चली या छीछा ले दर देखो। तो लड़कऊ कहीं वाटर दे दे, बहुरेवा पाथर ले आई, अतन मच का भग मच्छर या छीछा ले दर देखो। तो ये छोटी छोटी छड़िकाएं उनकी हो, या आद्या प्रसाद उन्मत्त जी की हो, या विश्वनाथ पाठक की सरमंगला की रचनाएं हो, या
जायसी से लेकर अब तक जितने भी प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक अवधि के रचनाकार हुए, जिन्होंने भाषा और साहित्य को इतना समृद्ध किया, इतना उन्होंने मार्गों बनाया, इतना उन्होंने श्रेष्ठता से जोड़ दिया कि भारतीय संस्कृति का एक बड़ा व्यापक पक्ष हमारे सामने आता है। जब भी मैं भारतीय संस्कृति की चर्चा करता हूँ या उसकी बातचीत करता हूँ, तो सबसे बड़ी चीज जो विश्व बंधुत्व की भावना है, जैसे अभी हमारे अखिलेंद्र जी कह रहे थे कि हम विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के भारतीय संस्कृति के बैनर तले खड़े हुए हैं, और हम इसे राष्ट्र को, राष्ट्र के माध्यम से पूरे विश्व को देते हैं। जब भी हम विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हम राष्ट्र की सीमाओं से भी ऊपर हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। और तब मुझे लगता है कि जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, वो मेरे भारत की सबसे बड़ी विशेषता, अयम निगाह परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये पराया है। ये तो गणना बहुत कुछ विचार वाले लोग करते हैं, लेकिन जो वास्तव में उदार चेता व्यक्ति है, संपूर्ण वसुधा ही, संपूर्ण पृथ्वी ही उनके लिए परिवार है। तो वास्तव में जो भारतीय संस्कृति है, ये उत्कृष्ट कलाओं का विकास करती है, समग्रता में विश्वास करती है, अनेकता में एकता की विश्वास करने वाली संस्कृति है, देवत्व की स्थापना की संस्कृति है, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है, नारी के प्रति सम्मान की भावना करती है, और जो प्रकृति है हमारी, जो सर्वस्व है, जिसको पंत जी मौन निमंत्रण के माध्यम से कहते हैं, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझे भेजता मौन, सारी प्रकृति में उसे अदृश्य सत्ता के दर्शन होते हैं। ऐसी व्यापक और विशाल भारतीय संस्कृति जो अपने अंदर इतने सारे सद्गुणों को समाहित किए हुए है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र में ऐसी संस्कृति का, ऐसी ऋतुओं का, ऐसी समझदारी का, ऐसी आपसी तालमेल और बंधुत्व प्रेम की भावना का मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देना चाहूंगा, और आयोजकों के प्रति मैं पूरी ईमानदारी से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा, विशेषकर अपनी जो महाविद्यालय की प्राचार्या है, जिनके सद्विचारों से हम सब ये करने में समर्थ और सफल होते हैं। मैं उनके चरणों में अपना अनुराग और अपनी अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। मैं अपने मित्र अखिलेश प्रताप जी को भी साधुवाद देता हूं, और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि सब लोग मिल करके आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अवधी साहित्य और इस क्षेत्र के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी और कविता सुना करके बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी है, और मुझे विश्वास है कि आपकी बातों से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं और हमारे प्रतिभागी भी लाभान्वित हुए हैं। मैं अब, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि आज के थे डॉक्टर अजय मिश्रा, वो क्योंकि जिस क्षेत्र में है वहाँ आवाज अखिलेंद्र जी नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। अखिलेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही। तो हमसे भी जुड़ और उन्होंने संदेश हमें वीडियो के माध्यम से भेजा है, के बारे में बताना चाहता हूं कि आप बिहार के मिथिलांचल में पैदा हुए, आपने पीएचडी डीलिट तक शिक्षा प्राप्त की, आप यूजीसी के शोध अध्ययन में आपने कार्य किया, 12 पत्रिकाओं के आप संपादक रहे हैं, संपादन कर भी रहे हैं, आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आपने विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया है, और आपने एक मानवता का बहुत बड़ा काम जो किया है वो नेत्र एवं देह अंग दान कर हेलो अखिलेंद्र जी शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे। हम अजय मिश्रा जी जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, डॉक्टर अजय मिश्रा जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, और काफी कुछ अखिलेंद्र सर ने बता दिया है, और मैं बताना चाहूंगा उनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने राष्ट्र हित में अपने नेत्रों देह अंगों के जो दान का जो एक जो है
वो किया है कि हम नेत्र और देहंगों को दान करेंगे। शायद बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं होते हैं जो राष्ट्रहित में इस तरह का काम करें। साथ ही साथ जो है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें हिंदी पदावली साहित्य पर मैथिली लोकगीत के प्रभाव और चक्रव्यूह जैसी इनकी रचनाएं हैं। और इनके बारे में अब हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम इनके वक्तव्य को कोशिश करेंगे, जो इनका वक्तव्य प्राप्त हुआ है वीडियो के माध्यम से उसको प्ले करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम इनके वक्तव्य को पूरी तरह से सुन सकें। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही। प्रथम तक प्रासंगिक विषय साधुवाद आपने अतीत में आकर अपने इस मिथिला के शुष्क राष्ट्र का स्वीकार वस्तुतः अतीत की सारस्वत गला से वर्तमान को प्रकाश आज अनुराधा की चार अंकों की संपदा भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। धर्म अर्थ काम पर आधारित अक्षय और उदात्त प्रकाश के भगवान है। आर्य और ज्ञान विज्ञान के समन्वय का तेजस्वी शंखनाद है। यह अक्षय जीवी और सहजीवन इसका मूलाधार है। संग्रहण संरक्षण और समर्पण इसका अमृत मंत्र, नेत्रहीन अध्यात्म और लंगड़े नाशकारी विज्ञान को इस संस्कृति ने सदैव प्रेक्षक क्या हो रहा है और क्या होने वाला है इस प्रश्न पर एक शब्द बोलने एक बार जान इस वैश्विक विषाणु संक्रमण तथा विचार संक्रमण काल अपने अमृतोपम संस्कृति का विस्मरण औषधि स्वरूपी वेद पुराण ब्राह्मण आरण्य उपनिषद की ज्ञान विज्ञान का वार्षिक बृहस्पति शुक्राचार्य च्यवन प्रमति कृत्समत शौनक सौर्व ऋचित जमदग्नि परशुराम उत्स वत्स मार्कंडेय अश्वशिरा बीज पिपलाद सारस्वत वाल्मीकि कश्यप अत्रि दुर्वासा तत्रे कर्ण दीर्घतमा भरद्वाज परमवसु गर्ग पुलत पुलत्स विश्रवा वशिष्ठ रूपमुद्रा अगस्त विश्वामित्र मधुछंदा गालब करैक कर्दम कपिल पतंजलि कणाद उद्गल श्वेत शमी संदीपन सुतपा इंद्रोद निदाग शाकल हंस आदि ऋषियों ने मंत्र से इस संस्कृति को मान्यता अमरता और उदात्तता ये ज्ञान आक्षर जी की सर्व कल्याणकारी यह संस्कार बहुधा प्रकाश पर्व कर्मपथ प्रदर्शिका जप तप निष्ठा सत शील अनुग्रह अनुशासन निराभिमानता त्याग दान विनम्रता ज्ञान विज्ञान उदारता
आत्मनिरीक्षण तथा कर्तृत्व अतीत के प्रति सम्मान वर्तमान के प्रति निष्ठा और भविष्य के प्रति आशा का संबल प्रदान करने के प्रलय के पश्चात लय की भावना से आपूरित संस्कृति अपरिग्रह बोला है बिहारे को हरिनाम ने कर वही अबदाती क्षार वीरानी खास की संस्कृति है यह स्वावलंबन पर तथा मृतक देशा के साथ मृत भाषिता का आदेश लेता है लोकानु यह वाल्मीकि कालिदास भोगभूत अश्वघोष यह अखंड भारत को एक सूत्र दयानंद और विवेकानंद यहाँ जय और अजय सार्थक और शाश्वत प्रयास को प्रेरित कर यहाँ की चेतनता नामावलोक कहती है संदेश हरा पर स्वर्ग से लाया इस भूतल को ही स्वर्ग बनाता है यह संस्कृत आचरण की परिशुद्धता का यह मन चंगा कठोती में गंगा की यह नानक कबीर रैदास तुलसी रही और रसखान कहती है गंगा जी भारतीय संस्कृति आचार संहिताओं का व्यापक अधिकोश है प्रजा गुरु शिष्य न्यायविद सैनिक व्यापारी श्रमिक अधिकारी यहाँ चोरों व्यभिचारियों अभिमानियों हत्यारों रूपा जीवाओं के लिए भी आचार संहिता श्री विनय और मर्यादा से आच्छादित है उषाकाल अध्यकाल संध्याकाल और निशाकाल की मर्यादा बाल्यावस्था किशोरावस्था और चरावस्था यह संस्कृति अभिव्यक्ति सहिष्णुता का अप्रतिम निदर्शन शीरत्व जनक मनीषी यायावर अष्टापक ने कहा था हे राजा यदि तुम स्वयं विदेह मानते तो विदेहत्व की मर्यादा भी जानो यदि तुम्हारे रथ के अबाध गमन के जनपद को बाधित किया जाता तो मैं इसी भी संबंध कदा के इस संस्कृति में सत्य वाचन के सर्वत्र है स्वरूप परिवर्तन के साथ अब भी इसे अनुभव किया जा सकता है समग्र विश्व अभी भूमंडलीकरण विश्वीकरण की बात करता है क्योंकि भारत ने हमेशा भूसंस्थीकरण की यह सर्वे वसुधैव कुटुंबकम का भी संपोषक है गरबा भांगड़ा कथक भरतनाट्यम कुचिपुड़ी बनारसी जट जटी सलहेज दीनभद्र आदि दृश्य शैलियों रूप कथाओं में हमारी संस्कृति संरक्षित है भैरवी भीम पलासी छायानट गुर्जरी जय जयवंत मालकोश असावरी प्रभाती में हमारी भारतीय संस्कृति सप्रसिद्ध से लेकर हिंदी और आच्छादित हिमाच्छादित प्रदर्शित कलाओं में इंद्रधनुषी आकाश में आदित्य के सतवर्णी किरणों में चंद्रमा की ज्योत्सना में है भूमि की भक्ति में हरिश्चंद्र की सत्यवादिता में है बलि उत्तरण की दानशीलता में दधीच के आत्मत्याग में है शिव की दयालुता में भृगु के तेज में है राम की मर्यादा में है शबरी के तेज में एकलव्य की श्रद्धा में है कृष्ण की गीता है अर्जुन के गांधी भीष्म की प्रतिज्ञा में है जनक की महत्व बुद्ध की करुणा में महावीर के ध्यान में गीतों में है तुकाराम की भक्ति में है नामदेव के संकीर्तनों में है विद्यापति की राधा में चैतन्य के अनुराग में स्मृति की साधना में मीराबाई के समर्पण में सूर्य की दृष्टि में कुंभनदास के श्रद्धा में वल्लभाचार्य के सूत्रों में है बाउल के गीतों में है राधा राम भाई की परिवर्तन
चिंतन में ईश्वर के विद्यासागर गाथा में गीतांजलि में कहीं सागर में है तो कहीं सागर में है, कहीं भक्ति में है, कहीं वैराग्य में है, कहीं प्रेम में है, कहीं त्याग में है, कहीं बलिदान में है, कहीं तपोनिष्ठा में है, कहीं स्थल में है, कहीं वास्तविक सुषुम्ना में, कहीं जल में है, कहीं स्थल में है। वस्तुतः यही श्री अमरत्व से आपकी आइए। अब जरा अपने रमाबाई स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय को जहाँ सब लिखी भारतीय संस्कृति का जीवन आपने अष्टावक्र की भूमि के पूर्ण पर मुख्य अतिथि बनाया, यह भी हमारी भारतीय संस्कृति का विदुषी प्राचार्य आप सभी ऐसी स्मरणीय रमाबाई को स्मरण कर संकल्पबद्ध होकर हम न मरे मरे हम का यही तुझे हमारी सहनशील कर्मठता निरभिमानता अदम्य साहस शौर्य चरिवे पूर्वजों के सितारों को धारण करने की क्षमता वैचारिक प्रभामानता कृष्णा और वासना का त्याग यही तुझे प्यासे भूखे को अन्न मिले ऋतुपरक वस्त्र मिले छात्र छात्राओं श्रमिकों को रोजगार मिले समान सरकारी व्यवस्था नागरिकों राष्ट्र के प्रति अनन्य श्रद्धा हो खेतों में विश्वास सुरक्षित मार्ग हो चतुर्दिशा में साधना शक्ति गोमान के लिए व्यर्थता हो स्वस्थ मन और सघन शुद्ध वायु और हरियाली के बीच सभी प्राणी निर्भय रहे यही तुम्हें भारतीय यह संग्रह नहीं संवाद पर शायद कुछ अधिक क्या मैंने कुछ कहा ही नहीं, यह तो आप ही की शक्ति आप ही की भावना थी आपका ही हमारे भी था जिसे मैंने आप तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास महाविद्यालय की उन्नति है अशेष मंगल कामना जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो के माध्यम से ही आपने बातें रखी। मनोज सर सुनाई दे रहा है क्या? रविंद्र सर सुनाई दे रहा? हाँ सर बढ़िया आवाज आ रही है। चलिए सुनाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का जो है जिन्होंने वीडियो के माध्यम से पूरे भारतीय संस्कृति का खाका खींचा हमारे सामने और बड़ी बातों को हमारे सामने रखा और जिससे हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। मैं उनका एक बार धन्यवाद फिर से देना चाहता हूं। क्या डॉक्टर विश्वजीत कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? डॉक्टर जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं जी। जी मैं जुड़ा हुआ हूं सर। ओके सर। तो मैं क्योंकि हमारे अगले वक्ता आप ही हैं, मैं आपके बारे में थोड़ा सा परिचय करा दूं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में और आपने 3 दर्जन से अधिक शोध पत्र लिखे हैं और प्रकाशित हुए हैं। आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, कहानी कविता और विभिन्न प्रकार के लेख आप पत्रिकाओं में आपके छपते रहते हैं। 15 वर्षों से आप अध्यापन कर रहे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं वो ये है कि आप मध्ययुगीन साहित्य और जो लुप्त प्राय
साहित्य है उसको संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण काम है। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। जी, इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जन को मेरा सादर नमन। मैं अरुणाचल की भूमि से, वैसे तो मैं मूलतः आपके घर का ही हूँ, आपका ही सदस्य हूँ। मैं इस नेशनल वेबिनार में जो रामाबाई डिग्री कॉलेज द्वारा जारी किया गया या किया जा रहा है, देखो अपना देश, ये संपूर्ण जो स्लोगन है देखो अपना देश, यह सीधा हमको जोड़ जाता है पूरे भारत से। और मैं देखते ही लगा जैसे कि मैं दूर नहीं हूँ, अपने घर ही हूँ। वैसे दूरियाँ मायने नहीं रखती, हृदय के नज़दीक का जो प्रेम है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सबने यह प्रेम दिया, इसके लिए मैं साधुवाद देते हुए बिना किसी भूमिका के मैं सबसे पहले मुख्य अतिथि और प्राचार्य महोदय को सादर नमन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ जितने लोग अरविंद जी, विश्वनाथ जी, मनोज सर और प्राचार्य मैडम के अलावा अन्य जो इस आभासी पटल पर विद्वत जन दिखाई दे रहे हैं, अखिलेंद्र जी, सबको मैं सादर नमन करते हुए अपने घर में होता हुआ महसूस कर रहा हूँ। इसे दूर दराज इलाके में अभी चाइना बॉर्डर पे हम लोग हैं और स्थितियां क्या है ये जानते ही हैं। मुझे जो विषय मिला, बड़ा अनूठा विषय दिया समिति ने, जिसके संदर्भ में मेघालय और अरुणाचल। वास्तव में मेघालय में चूंकि मैंने पीएचडी किया, मेघालय में एक बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या उंगलियों पे गिन ली जाती थी, उस समय का विश्वविद्यालय है पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, नेहू के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर की संस्कृति विविध का जो सांस्कृतिक विविधता जो है, और उसमें हमें विषय मिला अरुणाचल और मेघालय का विशेष संदर्भ, मन वाग वाग हो उठा कि अक्सर मैं अपने तरफ इस संदर्भ में बोलता रहा हूँ और इच्छा रखता हूँ बोलने की, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने देखा है, समझा है, लगभग 91 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। मुख्य विषय जो है उस पर मेघालय और अरुणाचली समाज के प्राचीन इतिहास पर और उसके सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालूंगा, समय बहुत कम है। विभिन्न रूप से अरण्य संस्कृति का नेतृत्व और पूर्वोत्तर मेघालय तथा अरुणाचल का जो सांस्कृतिक स्वरूप है उस पर दो बातें, और समाज और संस्कृति से अरण्य साम्राज्य का संबंध क्या है, इस पर दो चार बातें हो जाएंगी, और स्वतंत्र सत्ता एवं अरण्य संस्कृति का स्वरूप क्या है यहाँ पर तत्कालीन समाज में और ये अभी वर्तमान समय में। भारतीय स्तर पर अरुणाचल और मेघालय की संस्कृति एवं सभ्यता का जो विकासात्मक महत्व है, इस पर भी हम दो बातें करेंगे। बातें चाहे जो हम कर लें, किंतु मैं देखता हूँ कि जब तक हम असम को नहीं समझेंगे, तब तक अरुणाचल और मेघालय को समझ पाना बड़ा ही कठिन होगा, क्योंकि इसे स्वतंत्रता के पहले और अंग्रेजों के आगमन के बाद असम के रूप में ही जाना जाता था, जिसका प्राचीन नाम प्राग्ज्योतिष है। समग्रता में पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति अपने आप में एक विशाल समुद्र है, जिसके अतल और अनगिनत रंगीन मोतियां जो हैं यत्र तत्र बिखरी हुई तो हैं। सात राज्यों के कारण इसे सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम इत्यादि। सांस्कृतिक विविधता की जो बात कही जाती है, यह भारत से अलग और इतर नहीं है, हम वही है, उसी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के बीच है। जैसा मिश्र जी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि कालिका पुराण में अध्ययन करते हुए मुझे कामरूप की एक भौगोलिक सीमा के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें बहुरोका नाम नदी करतोया प्रदर्शिने
उत्तर श्रावणी चास्ते तदपूर्व कामरूपकम्। यह कालिका पुराण का जो श्लोक है यह बता रहा है कि बहुरोका नाम नदी करतोया प्रदर्शिने उत्तर श्रावणी चास्ते तत्पूर्व कामरूपकम्। यह कामरूप शब्द मिलता है जिसे प्राग ज्योतिष का एक यह भी नाम है कामाख्या को कामरूपकम के रूप में यहाँ संबोधित किया गया है। वही कामाख्या जो अपने शिल्पकला और शक्ति जादू के रूप में प्रसिद्ध हुआ करता था। वह जादू योगिनी तंत्र नामक एक पुस्तक में उपलब्ध होता है जिसकी रचना कई हजार वर्ष पहले हुई। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि भारत में विदेशी कथनों को ज्यादा वरीयता देने की बातें की जाती हैं, तो वही अगर मान लिया जाए तो भी योगिनी तंत्र में कहा गया कि काम रूपे महापूजा सर्वसिद्धि फलप्रदा नेपालास्य कांचनाद्री ब्रह्मपुत्रस्य संगमम करतो वा समाश्रित्य यावदिक्कवासिनीम उत्तरस्याम कंजगिरिम करतो या तु पश्चिमे आतीर्थश्रेष्ठा दिक्षु नदी पूर्वश्याम गिरिकन्या के दक्षिणे ब्रह्मपुत्रस्य लाक्षाम संगमावधि कामरूपे इति ख्याः सर्वशास्त्रे तु निश्चितः। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में जो पूर्वोत्तर भारत का स्वरूप है, इस मंत्र में संपूर्ण सातों जो राज्य आज आठ हैं उन पर प्रकाश डाला जा रहा है। उन तीर्थ चूड़ामणि यत्र योषितः पापातः तीरे ब्रह्मणादस्य महोयोगः स्थलम् किंततः। यह इसे जो है तंत्र शास्त्र में कामरूप को तंत्र साधना की लीला भूमि कहा गया, और यह कामरूप कहने और प्राग ज्योतिष कहने मात्र से केवल असम का ही बोध नहीं होता बल्कि संपूर्ण पूर्वोत्तर का होता है, जिसमें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज आठ राज्य हो गए हैं। तो इनमें हम जब चर्चा करते हैं तो मेघालय की चर्चा पहले की जाए, क्योंकि इसे आधुनिक इतिहासकारों ने जो सांस्कृतिक समन्वय के रूप में जो वर्णन किया है उसमें स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, पूरब का स्कॉटलैंड इसे कहा गया है मेघालय को। तो मेघालय पर जब चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि यह राज्य गुवाहाटी से बाई एयर जो है 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे गुवाहाटी से जब हम आगे बढ़ते हैं, किंतु सड़क माध्यम से, अभी तो बड़ी अच्छी सड़क बन गई है, सड़क माध्यम से हम जब पहुँचते हैं तो 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि मेघों का आलय से मेघालय बना। और आज भी यहाँ पर मेघ विचरण करते हुए आपको नजर आएंगे। कोलकाता के भूगोल विभाग के प्राध्यापक एमरिस्ट डॉक्टर एस एम चटर्जी जी द्वारा जी है, जो एस पी चटर्जी जी द्वारा यह नाम दिया गया था। लोगों ने काफी इसका विरोध किया कि वहाँ स्थानीय लोगों ने सोचा कि इसका नाम हमारे स्थानीय गारो, खासी और जयंतिया, इन तीन मजबूत भाषाओं में से किसी एक में होना चाहिए, किंतु भारत सरकार ने अपनी संवैधानिक व्यवस्था के तहत इसका नामकरण किया और उसको यह रूप मिला। लेकिन केवल यहीं से इसकी शुरुआत नहीं है, यहाँ लोग नवपाषाण युग से निवास करते आ रहे हैं। खोजने जानने देखने पर यह प्राप्त हुआ है कि नवपाषाण काल के जो स्थल हैं वह ऊंचे पर्वतों पर स्थित हैं, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया तीन पहाड़ियां, तीन पहाड़ियों पर तीन जातियां जिनका नाम गारो, जयंतिया और खासी। खासी हिल्स की खासी जनजाति की भाषा खासी है, गारो जनजाति गारो पहाड़ी पर बसी है जिस जो गारो बोलती है, जयंतिया जाति जयंतिया पहाड़ी पे बसी है जो जयंतिया भाषा बोलती है। तो नवपाषाण शैली की जो झूम कृषि है वह भी यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हालैंड पठार, भौगोलिक रूप से हालैंड पठार का मृदा संपन्न भूभाग है जो यहाँ पर अपने पूरे प्राकृतिक वैभव के साथ उपलब्ध है। बादलों में चलने की जो मर्यादित परंपरा यहाँ रही है प्रकृति की, वास्तव में लगता है कि जैसे हम सही में स्वर्ग में पहुंच गए हैं। वह मेघालय, मेघालय का जो आधुनिक इतिहास जो बना वह राज्यों को दर्जा से बना, 1972 में इसे राज्य का दर्जा जो है स्वायत्त दर्जा भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ।
19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज ने जो है यहाँ गारो, खासी और जयंतिया को असमिया से जब अलग किया, तो इस देश यह प्रदेश जो है राजनीतिक शिकार हो गया। 1934 में तत्कालीन मेघालय को असम के अधीन जब किया गया था उस समय से लेकर के और 72 तक, 1934 में एक सांस्कृतिक दुर्घटना हुई इसके साथ। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल में विभाजन के समय आया और उसने इसको सबसे गरीब पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया। इसका कारण जानते हैं क्या था? यहाँ धर्म परिवर्तन की दाल गल नहीं पा रही थी। इतने कट्टर प्रकृति के उपासक थे ये, इतने कट्टर प्रकृति के उपासक थे कि यहाँ किसी अन्य धार्मिक संवेदना का यहाँ प्रवेश हो ही नहीं सकता था। इसलिए उन लोगों ने इसे अति पिछड़ा घोषित करके सारी व्यवस्थाएं जो है बंद कर दी, जिसके कारण कि ये लोग जो है उस क्षेत्र से कट जाएं। और यही कारण रहा कि उस समय से धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों से इनका दुराग्रही परिवेश इनके हृदय में बनता गया। लेकिन आज बहुत कुछ चीजें छट गई हैं, बदलियां छट गई हैं और ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं कि लाख चाहते हुए भी उस दुराग्रही क्षेत्र को, उस परिवेश को आप किसी रूप में नहीं ढाल सकते हैं। फिर भी यह इस आभासी पटल पर कहने की बात नहीं है, कहने और कम कहने और अधिक समझने की बातें हैं। तो ब्रिटिश प्रशासन ने जो बीज बोए उसका खामियाजा हम लोगों को इस रूप में भोगना पड़ता है, जिसमें असम वहाँ असम से घुसते ही मेघालय में डखार यानी बाहरी प्रजातियां कहा जाता है, जिसे एक समय था गाली के रूप में लिया जाता था। डखार मतलब बाहर से आया हुआ व्यक्ति, बाहर से आया हुआ व्यक्ति। लेकिन क्यों वह वही अंग्रेजों के द्वारा रोपित बीज है जो कि बाहर और बाहर जैसी प्रदूषित शब्द जो है अपने ही देश में उनका बीजारोपण उन्होंने कर दिया। खैर, जब हम उस सांस्कृतिक विविधता में आते हैं तो हम भारत से इतर नहीं पाते हैं। वही वन, वही प्रकृति, वही आध्यात्मिक स्वरूप, वही सामंजस्य, वही भाईचारा, बल्कि स्त्रियों का अद्भुत सम्मान जो मिलता है। आप अगर किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, कितना ही आक्रांतित बस्ती हो, आप उसे अगर किसी अपनी पत्नी बेटी और बेटियों के साथ जा रहे हैं तो आप पर कोई फपतियां नहीं कसेगा। मैं कहता हूं कि दुनिया में, भारत नहीं, दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो वो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हैं, और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में मेघालय की राजधानी शिलांग में हैं। क्योंकि 20 वर्षों तक विदेशों में रहने वाले लोगों के परिवार ऐसे सुरक्षित रहे, जो नौकरी करते रहे, आने की स्थिति नहीं बन पाई, या आए तो 2-4 दिनों में चले गए, उनके भी परिवार बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने और उन पर कोई किसी भी तरह की सामाजिक राजनीतिक या आर्थिक दबाव नहीं पड़ा, फपतियां नहीं कसी गई, छेड़छाड़ नहीं किए गए, किसी तरह की दुर्घटनाएं नहीं हुई। स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण के लिए दिल्ली क्षेत्र में एक बड़ा दुर्बोधित स्वरूप बना हुआ है पूर्वोत्तर के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी ही सख्त सामाजिक व्यवस्था है यहाँ की, इतनी सख्त सामाजिक व्यवस्था है जिसके भीतर दंड का विधान जो है वह बहुत ही सख्त है, और जिस दंड विधान का अनुपालन आज भी उसी सामाजिक स्वरूप में किया जाता है, जिस सामाजिक स्वरूप में भारत का सांस्कृतिक बोध दिखाई देता है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा मैं, यहाँ मातृवंशीय प्रणाली का पालन होता है। खुन खटदुह नामक, खटदुह दुह, दुह जो है हमारे संस्कृत शब्द दुहिता शब्द है, अर्थात कनिष्ठतम पुत्री खटदुह को कहा जाता है, कनिष्ठिका पुत्री, छोटी छोटी बेटी। लेकिन यह खटदुह दुह वही दुहिता, दुहिता से ही दुह यह बना, जो यह एक परंपरा है। खटदुह परंपरा जो है यह बताती है कि सब सारी संपत्ति जो है वह बेटी के नाम से ही रहेगी, छोभी जो छोटी खट, छोटी जो खटदुह, छोटी जो बेटी होगी उसी के नाम, और उस संपत्ति पर मामा का विशेष ध्यान रहता है, अधिकार नहीं ध्यान रहता है, और पुरुष वर्ग जो है का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं है, वह केवल परामर्श देता है। संपूर्ण क्षेत्र में महिलाएं ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर वहां कोई ना हो घर में तो क्या हो, छोटी बेटी ना हो, बेटी ना हो, तो आईआर रैप आइंग जो है, आइंग आइंग
आयरपाइन यह एक पारिवारिक रिवाज है जिसके माध्यम से कन्या को किसी अपने भाई बहन की कन्या को दत्तक बना लिया जाता है। ट्राइंग ट्राइंग मतलब परिवार की मुखिया उसे बना दिया जाता है। ट्राइंग की ट्राइंग एक जो है उनका अपना एक लोकाचार है जिसके माध्यम से लोगों को एकत्रित करके वे उसको रूप दे देते हैं। और गोद लेना जिसको हम आम रूप में कह सकते हैं। नोकना अर्थात घर के लिए नामित किया जाना, नोकना उस उसको उस फेस्टिवल का नाम नोकना दे दिया जाता है। सभी एकत्रित होते हैं, भोजन पानी करते हैं और उनके जो अपने पौराणिक रूप हैं उस माध्यम से नोकना अर्थात घर के लिए नामित कर दिया जाता है, क्योंकि वह दूसरे घर की यानी दत्तक पुत्री बुहारी, बुहारी मतलब पुत्र वधु बन गई तो, या दत्तक पुत्री डगारत तो डरागत, डरागत कहते हैं उसको, डरागत कहीं मिलता है कहीं डरागत, लेकिन डरागत ही है जैसा मैंने अन्वेषण किया उसमें डरागत शब्द मिला, यानी उसे बना लिया जाता है, अपना लिया जाता है। और इसमें यह परंपरा आज ही नहीं हजारों वर्षों से कबीलाई स्तर पर चलती आ रही है। यहाँ खासी जो पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली है आधुनिक क्षेत्र में वंश परंपरा जो है उसे दोरबार राजनीतिक वंश परंपरा की बात में कर रहा हूँ, दोरबार कहते हैं। यह दोरबार शब्द दोरबारकुर में एक गांव बूढ़ा होता है जो इतना अधिकार प्राप्त होता है जिसके घर जो है आईपीएस को उसके क्षेत्र में अगर प्रवेश करना हो तो वह आईपीएस जो है बिना उसके परमिशन के उसके क्षेत्र में घुस नहीं सकता है। कोई मंत्री अगर उसके क्षेत्र में घुसना है तो बिना दोरबारकुर की सहमति के नहीं घुस सकता। अगर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कार्यक्रम रखा जाता है तो राज्य सरकार पहले दोरबारकुर को सूचना देती है और वह संपूर्ण स्थानीय प्रबंध करता है। बिना दोरबारकुर के दिल्ली भी वहां पर नहीं मार सकती, इतनी सामाजिक जो है सक्रियता और सामाजिक सख्त नियम है। तो दोरबार वही दरबार है जो हमारे वहां से दरबार लगता था और सैकड़ों लोग एकत्रित होते थे, राजा होते थे, वही दोरबारकुर है और उसके नाम पर यह नाम पड़ा है। अब जब यहाँ इनकी जो सांस्कृतिक जो विरासत है दोरबार स्वांग में निहित है, ग्राम परिषद में निहित है, जो राजनैतिक सांस्कृतिक स्वरूप दिखाता है। अब मैं आता हूँ कि सांस्कृतिक स्वरूप में दिनों के नाम भी, हमारा जो फाल्गुन कहलाता है ना यहाँ पोलगिन कहते हैं इसको, और हमारे वहाँ जो चैत कहलाता है चुईत कहते हैं चुईत, बैसाख जो है पसाख पसाख है, आषाढ़ जो आसल आसल आसल, और भाद्र जो है भादो है, अश्विन को असाइन कहते हैं, कार्तिक काटो काटो, और पौष जो है पोसी है, और क्रिसमस को आप जानते ही हैं जो विश्व विख्यात है। तो इन गारो खासी और जयंतिया तीन हिल्स में 11 जिले जो आज बने हैं, यहाँ लगभग 40 से 42 लाख की जनसंख्या निवास करती है और पूर्वोत्तर का यह बहुत ही सुंदर प्रदेश है अपने सांस्कृतिक विरासत के कारण। खासी के जो जातियां हैं उनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, तीज त्योहार हैं जो राइट्स ऑफ पैसेज जिनको नाम दिया गया, नृत्यों का आयोजन किया जाता है। स्नोंग स्नोंग ग्राम जो है रेट्स ग्राम समूह आयोजित करते हैं इसको, हिमा जिसको जो श्योन होता है ग्राम समूह, रेट्स ग्राम समूह है, श्योन मतलब ग्राम, ग्राम का समूह रेट्स कहलाता है, उसका एक बड़ा रूप है हिमा जिसको जो ग्राम समूहों का समूह है जिले स्तर पर। तो इनका सबका आधिकारिक क्षेत्र है और ये लोग अपने उत्सवों को मनाते हैं। जयंतिया हिल्स में जो है लाहो नृत्य बुआई नृत्य जो फसलों का त्योहार है जिनको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पर यहाँ गारो जो हिल्स है उनमें गारो जनजातियों में डेन बेल्सिया वंगाला, ये डांस जो वांगला डांस जिसको बोलते हैं, वंगाला है लेकिन अभी वो ऐसा भ्रंसित हो गया कि वांगला डांस लोग कहते हैं उसको, रोंगशु गाला, माई अमुआ, मांगोना, एक और आता है ग्रैंडिक ग्रैंडिक वा, जामांगसिया, जा पेमागा, सासठ, ये सब गारो भाषा के शब्द हैं, सासठ राचा का, अजयोर, ये सब नृत्य होते हैं जिनके अलग अलग स्टाइल है और अलग अलग वस्त्रों विधान के साथ, इतना मनमोहक दृश्य होता है पर्वत की घाटियों के किनारे बिना किसी आधुनिक आबो हवा के, केवल बस ध्वनि का उनके प्राकृतिक
संसाधनों से एकत्रित बांस पेड़ों को काटकर बनाए गए वाद्य यंत्रों के माध्यम से उसे बजाया जाता है, डीजे नहीं है वहाँ। और यही कारण है कि वह स्थिति उत्पन्न होती है कि हम लगता है कि हम प्रकृति के भीतर स्वर्ग के उस स्वरूप का रसास्वादन कर रहे हैं। तो पारंपरिक उत्सवों में पुष्टे विष्टे काटी गासा वास्तु घर गृह पूजन जो किया जाता है, बियाट जैसे जिलों में जो है लैंडिंग कूट हर वर्ष जनवरी के माह में जीवन का जो नवीनीकरण कहते हैं उसको लैंडिंग कूट को और जनवरी माह में मनाते हैं। थ्यामपुंगचुंग जो है वो पाठियाना नामक देवता की अर्चना की जाती है, जैसे हम अपनी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। यहाँ की आध्यात्मिकता अरण्य संस्कृति की आध्यात्मिकता है, जिसमें माइटिएस्ट पावर सर्वशक्तिमान सत्ता का जो स्वरूप है वह इनके विभिन्न प्राकृतिक स्वरूपों में ही दृष्टमान होता है। कोई मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाए, और बाद में कुछ लोग बौद्धिस्ट जो हो गए बौद्धिज्म को अपना लिए वो उस हिसाब से मनाते हैं। अभी कुछ ऐसे हैं जो अरण्य संस्कृति को ही अपनाते हैं, और अरण्य संस्कृति विशेषकर जयंतिया हिल्स में एक जगह है जहाँ का राजा है फूस की ही अभी उनकी उनका महल है, और वो दूध तक नहीं पीते, वो कहते हैं कि मांसाहार है। तो वह शिलांग से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर और आगे बढ़ने पर वह मिलता है राजघराना। यह अजीब लगता है भले यहाँ के लोगों को, लेकिन हम लोगों को, यानी कि अगर जो अरण्य संस्कृति से इतर जो हैं दिल्ली क्षेत्र के लोग, मैदानी इलाके के लोग, उनको आश्चर्य होता है कि यहाँ सबसे ज्यादा मांस भक्षी लोग हैं, उसके बावजूद भी वह कौन सा व्यक्ति है जो दूध का पान तक नहीं करता, दूध नहीं पीता, कि वह मांस और मज्जा से छन कर आता है इसलिए हम उसका पान नहीं करेंगे। लेकिन वह एक अनूठे एक ही परिवार ऐसा बचा हुआ है उस जो है सनातनी प्रवृत्ति का संवाहक यहाँ की आदिवासी परंपरा में। अब मैं सेतु मानसिन राम की बात करता हूँ, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात होती है, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है कि सर समराइज कर लें थोड़ा, हम लोग के पास समय की वो है। तो इसमें जो है भारतीय संस्कृति के अरुणाचल प्रदेश की जो व्यवस्था पर देखते हैं, तो यहाँ का जो 1972 में राज्य नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से टूट करके यह जो बना, तो वहां पर हम जहाँ पर मैं हूँ अभी अरुणाचल प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा प्रदेश जो भूटान चीन और बर्मा से घिरा हुआ प्रदेश है, यहाँ भी त्योहारों का वही सुंदर संयुक्त स्वरूप है जिसमें आदि मेंबा जनजातियां हैं जो दोनी और पोलो सूर्य को अपने माँ मानते हैं, और वही मानते हैं कि उन्होंने ही यहाँ का परिपालन किया, संयुक्त परिवारों का यहाँ गठन है, और माता पिता भाई बहन बेटी दामाद। थोड़ा सा मेघालय से हट कर अरुणाचल में हम जब देखते हैं कि यहाँ संयुक्त परिवारों का प्रचलन मेघालय से अलग रूप में है, और लड़कियाँ जिम्मेदार होती हैं, विश्वविद्यालयों में उनकी संख्या जो है 90% तक है पठन पाठन पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। अरुणाचली संस्कृति जो है अपने आप में एक अनूठी संस्कृति है, जहाँ बंद संस्कृति का स्वरूप गहराता हुआ है, बंद संस्कृति का स्वरूप। मेघालय की ओपन संस्कृति से यहाँ की संस्कृति जो है बंद संस्कृति है, जिसके कारण बड़े सख्त नियम हैं और उसके भीतर उसका अनुपालन होता है। सामाजिक संस्थाएं हैं त्योहार मनाने के लिए, मुख्य जनजातीय विवाह जो है, दहेज प्रथा भले न हो लेकिन वर पक्ष जो है मिथुन दान करता है, 1, 2, 3 से लेकर सैकड़ों मिथुन दान दिए जाते हैं, जो जितना उसका सोशल स्टेटस है और वह जितना मिथुन लेकर जाता है उस हिसाब से वह लड़कियों को देता है। दहेज की उल्टी दिशा जिसको आप कह सकते हैं कि वर पक्ष जो है वधु पक्ष को दहेज के रूप में वह भेंट करता है। पहले जो है सोना देने का प्रचलन था, डलिया भर सोना यानी एक दौरी सोना जो है दिया जाता था, एक टोकरी सोना, लेकिन अब उसके लिए समय नहीं रहा इसलिए वस्तु प्रदान किया जाता है। और इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से त्योहारों का विशिष्ट रूप घाटियों के बीच में वस्त्र आभूषण पहन करके जो है आदि गालो जनजातियाँ जो हैं यहाँ, सैकड़ों उप जनजातियाँ यहाँ हैं, 6 विशिष्ट जनजातियों में आपातानी गालो निशी
इन आदि मोम्पा इनके बीच जो है त्योहार जो है अपने उसी प्राकृतिक रूप में है, भले क्रिश्चियनिटी का स्वरूप है प्रेस्बिटेरियन से लेकर के अन्य जो है चर्च मिजो चर्च और नागा चर्च बड़े सक्रिय होते हुए भी 97% क्रिश्चियनिटी का स्वरूप होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी उस प्राचीन संस्कृति को छोड़ा नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि संपूर्ण भारत का जो एकात्म रूप है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा यहीं पर, कि आस्था के रूप में संपूर्ण भारत एक है, क्योंकि यहाँ की अरण्य संस्कृति में आस्था का स्वरूप वही है, वही सर्वशक्तिमान सत्ता का स्वरूप है। भले मार्क्सवादी भाई लोग यह कहें कि यहाँ धर्म का कोई स्वरूप नहीं है, किंतु धर्मो धारयते प्रजा, प्रजा जिसको धारण करती है वही धर्म है, और वही अरण्य संस्कृति यहाँ अपने उस धारक प्राकृतिक क्षमता के अनुसार ही जो स्वरूप निश्चित की हुई है, वही सौहार्द, वही समवेतता, आपसी व्यवस्था इनकी इतनी सुदृढ़ है कि सहयोग की भावनाएं कोई जो है अनाथ नहीं रह सकता, कोई जो है बीमार व्यक्ति वह पैसे के अभाव में मर नहीं सकता। भारतीय संसाधनों का संदोहन, 65% भारतीय जैविक संपदा यहाँ अकेले इन 8 राज्यों में उपस्थित है, यह एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। हम बहुत सी चीजें भूल गए, अपने नृत्य को भूल गए, अपने सामाजिक परिवेश को भूल गए, लेकिन इन लोगों ने अभी उसको बचा कर रखा है और ये भूले नहीं है। वैश्विक रूप से यह भारत की अरण्य संस्कृति को जिलाए रखे हुए हैं, जिससे हमारा भारत संपन्न होता है, अरण्य संस्कृति के माध्यम से सुदृढ़ होता है। और मैं कामना करता हूं कि हम मैदानी इलाके के लोगों का भी सहयोग इनके प्रति बना रहे, ताकि यह अरण्य संस्कृति बनी रहे और 200 से ऊपर बोलियों और भाषाओं का समृद्ध यह सांस्कृतिक परिवेश, 2000 से अधिक त्योहारों तीज त्योहारों का यह प्रदेश संरक्षित रहे, जिसकी विविधता हमारे भारत को संपन्न करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजन समिति को, कनौजिया सर को, प्राचार्य मैडम को और इस वेब पोर्टल पर, इस आभासी पोर्टल पर उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। समय बहुत कम था इसलिए बहुत सारी चीजें भूल गई, कभी और 1 घंटे का समय दीजिएगा तो मैं समेटूंगा इसको। और अगर मैं आपके घर का हूँ, अगर आप हमें नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक भारत हम भारत और सुदृढ़ भारत की चर्चा करते हुए मैं सबको सादर नमन करता हूं। सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वास्तव में हमारे इस वेबिनार को सफल बना दिया। आपने मेघालय अरुणाचल प्रदेश के सांस्कृतिक स्वरूप और अरण्य संस्कृति के स्वरूप पर प्रकाश, विस्तृत प्रकाश डाला है। इसके साथ ही आपने वहाँ की जनजातियों और वहाँ के जो भी रीति रिवाज हैं उन पर आपने विस्तृत चर्चा की, और आपने बताया कि किस तरह ये राज्य वो अभी तक अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को और पुरातन चीजों को सहेज करके रखे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना विस्तृत विवरण दिया वहाँ के राज्यों का, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एस एन वर्मा जी जुड़े हुए हैं? हाँ जुड़े हुए हैं सर। आप हमारे अगले वक्ता हैं, मैं आपके बारे में बता दूं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी में आप सेवारत हैं। आपने कई सारी किताबें लिखी हैं और आपके आधा दर्जन से अधिक शोध पत्र आपके प्रकाशित हुए हैं। आप बोर्ड ऑफ स्टडीज इतिहास विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में समन्वयक हैं, और इसके साथ ही लोक सेवा आयोग में विषय विशेषज्ञ के रूप में आप सेवा देते हैं। आप इसके साथ ही सदस्य इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एवं यूपी हिस्ट्री कांग्रेस में सक्रिय सदस्य हैं, और बहुत सारी कमेटियों में, एकेडमिक कमेटियों में आप सदस्य हैं। मैं आपको बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमें इस विषय पर जानकारी दें। डॉक्टर वर्मा सर। सर अब आप अनम्यूटेड हैं, आप बोल सकते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी? जी सर। हाँ
Now you are unmuted, sir. आपकी आवाज मिल रही है. हाँ बोले सर. हेलो जी सर बोले आवाज आ रही है. आवाज आ रही है सर बोले. हेलो जी सर बोलिए आवाज आ रही है आपकी. लग रहा उनका वो तो आप उनको फोन से बता दें उनकी आवाज आ रही है. आवाज आ रही है पर वो नहीं सुन पा रहे हैं. नहीं नेटवर्क उनका कट रहा है थोड़ा सा. तब तक हम साहिद सर को बुलवा लें. आप अगले जो है स्पीकर को बुला लें सर. साहिद सर आप हैं जुड़े हुए हैं. साहिद सर मैं देखता हूँ. साहिद सर जुड़े नहीं हुए हैं शायद. हेलो साहिद सर शायद नहीं जुड़े तो हैं सर. जुड़े हैं सर. वर्मा सर से कहिए सर. साहिद सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. साहिद सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. साहिद सर हेलो ऑडिबल हूँ सर. हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर ऑडिबल सर. आवाज आ रही बताइए. हाँ मैं आपके बारे में परिचय दे दूं. आप डॉक्टर साहिद परवेज जी हमारे अगले वक्ता हैं. एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप इतिहास विभाग रामाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर अम्बेडकर नगर में. आपकी कई पुस्तकें हैं. एक दर्जन से अधिक आपके शोध पत्र हैं. और सबसे बड़ी बात है आप एक अच्छे प्रखर वक्ता हैं. आप विभिन्न क्षेत्रों में आपने शोध कार्य भी किया है. और मुझे पता चला था कि आपने उर्दू के क्षेत्र में भी काम किया था. तो मैं चाहता हूँ कि आप आए और अपनी बात रखें. जी सर. हेलो हेलो. हाँ सर. हाँ सर ऑडिबल हैं आप. बोलें सर. बहुत बहुत शुक्रिया अभियन जी. सबसे पहले महाविद्यालय की मनीषी प्राचार्य महोदया प्रोफेसर शिपाली सिंह मैडम आपका बहुत आभार. आयोजन समिति का आभार कि जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया. मैं चंद मिनटों में अपनी कुछ बातें संस्कृति और भाषा के संदर्भ में रखना चाहता हूं कि संस्कृति क्या है और भाषा का संस्कृति से क्या संबंध है और संस्कृति और भाषा का जो अंतः संबंध है वो किस तरह से एक विकास का परिणाम देता है. तो किसी भी देश की संस्कृति उसके मूल्य उसकी प्रथाएं और एक साझा विरासत का परिणाम होती है. अरे वर्मा सर को बता दीजिए उनका नेटवर्क सही नहीं आ रहा है. दोबारा से जो प्रयास करें. हेलो जी सर. बोले बोले आवाज आ रही है. तो भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक जो विरासत है वो बहुत उसका कैनवस बहुत बड़ा है. उसका एक बड़ा होराइजन है. उसका क्षितिज बहुत बड़ा है. तो संस्कृति किसी भी राष्ट्र या समाज की एक अमूल्य संपत्ति है और ये ना तो किसी एक व्यक्ति के का की कोशिशों का परिणाम होती है ना किसी विशेष युग की उपज होती है बल्कि संस्कृति जो के पन्नों पर इतिहास विराजमान रहता है. हम इतिहास के थ्रू संस्कृति का अध्ययन करते हैं और सांस्कृतिक विरासत को हम सजो के संवार के रखते हैं. संस्कृति मानव और उसके पूरे जीवन के विकास आनंद और उत्कर्ष का आधार होती है. हम संस्कृति के थ्रू ही आदान प्रदान करते हैं अपनी प्रथाओं का अपने विचारों का और अपनी बहुत सारी विरासतों का अपनी परंपराओं का. एक संस्कृति के माध्यम से ही हम आदान और प्रदान करते हैं. अगर भाषा को अगर संस्कृति का एक इंडिस्पेंसिबल इंग्रेडिएंट मान लिया जाए तो विकसित समाज का निर्माण करने के लिए
हमको संस्कृति और भाषा दोनों को समानांतर रूप से विकसित करने की आवश्यकता होगी, इसलिए कि प्रत्येक भाषा के साथ उसकी अपनी एक संस्कृति जुड़ी है। हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि आधुनिक भारत में ही अगर हम 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात करें तो थोड़ा सा अगर खुसरो से अगर आप शुरू करें, जब खुसरो अपनी मसनवी में भारतीय भाषाओं को संकलित करता है, उनकी सूची देता है और उनके सौंदर्य की तारीफ करता है, जो संस्कृत और बहुत सारी भाषाओं की एक सूची उसने दी है अपनी मसनवी में, और ये बताया है ये सब बोलियां जो हैं, ये सब जो भाषाएं हैं ये हिंदवी हैं, उनको एक हिंदवी नाम देता है कि ये हिंद की बोलियां हैं, वो हिंदवी हैं। तो ये हिंदवी चलती आई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तक, और जब अंग्रेज सशक्त हो गए, शक्तिशाली हो गए राजनीतिक तौर पर, जब उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की तो प्राइमा फेसी तो ये लगा कि वो एक भाषा के लिए, संस्कृति के लिए एक अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है, लेकिन वो एक अल्टीरियर मोटिव था। ये अलग बात है, उन्होंने अपने अल्टीरियर मोटिव के साथ जो भी विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए थे उनका उपयोग भारतीयों ने अपने हित के लिए किया, जैसे रेलवे का किया, पोस्ट ऑफिस का किया, टेलीग्राम का किया, इत्यादि इत्यादि। तो भाषा की उन्नति और उसके विकास के लिए और उसको संस्कृति से के साथ उसका सामंजस्य बिठाने के लिए जिस पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, उसमें हिंदी भाषा का एक अलग विभाग बनाया गया और उर्दू भाषा का एक अलग विभाग बनाया गया, और दोनों भाषाओं के साथ एक एक किताब लिखवाई गई। मीर अमन ने उर्दू में बागो बहार लिखी और प्रेम सागर हिंदी में लिखी गई, और आप देखेंगे कि नागरी प्रचारणी सभा ने जब प्रेम सागर को प्रकाशित किया 1810 ईस्वी में, तो उसमें हिंदवी की जगह हिंदू वी लिखा हुआ है, यानी वो हिंदवी को पूरी तरह से नकार दिया गया, जबकि एक ऐसी भाषाई संस्कृति उस दो शताब्दियों में जन्म ले रही थी जिसमें हिंदी उर्दू के फर्क को, उसके संबंध को और ज्यादा मजबूत कर दिया था, फर्क को मिटा दिया, संबंध को ज्यादा मजबूत कर दिया। और आप पाएंगे कि नागरी प्रचारणी सभा ने जो लुगत प्रकाशित किया है, जो डिक्शनरी प्रकाशित की है, उसमें कम से कम 6000 अरबी और फारसी के अल्फाज हैं, लुगत कहते हैं डिक्शनरी को, जो कोश उन्होंने प्रकाशित किया। इसी तरह से लुगते असफिया जो मौलवी आसिफ ने जो डिक्शनरी कंपाइल की, उसमें आपको 75% से ज्यादा वो लफ्ज मिलेंगे, वो शब्द मिलेंगे जिनकी जड़ें संस्कृत में हैं, क्योंकि उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें हर भाषा के शब्द हैं, तो उनकी जड़ें जो है संस्कृत में है, 75% ऐसे मिलेंगे। तो एक ऐसी भाषाई संस्कृति भारत में जन्म ले रही थी जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ रामधारी सिंह दिनकर तक, जिन्होंने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया और इसके विविध आयाम को ना तो स्वीकार किया गया पूरी तरह से और बल्कि तोड़ने का काम किया गया। आप देखेंगे कि इसी भाषाई संस्कृति का नतीजा था कि उर्दू के अंदर, उर्दू भाषा में वेद, उपनिषद, कालिदास के नाटक, बेताल 25, सिंहासन 32, पद्मावती, लीलावती, इन कोई भी ऐसा मौजू नहीं है जिस पर आपको उर्दू में किताबें नहीं मिलेंगी। नज़ीर अकबरावादी आगरा का बहुत बड़ा शायर, उसने कम से कम इतना हिंदू त्योहारों पर उसने नज़में लिखी हैं, कम से कम 11 नज़में, 11 कविताएं उसकी सिर्फ होली पे हैं। हसरत मोहानी ने श्री कृष्ण पे नज़में लिखी, इकबाल ने राम के ऊपर नज़म लिखी और राम को इमाम हिंद कहा, कहा कि पूरे हिंद का वो इमाम है। तो ये जो एक भाषाई संस्कृति जन्म ले रही थी, तो इसको अंग्रेजों ने अपने अल्टीरियर मोटिव के साथ तोड़ने का काम किया, जिसको हमने बचाने का पूरी तरह से प्रयास नहीं किया, और अंततः हुआ ये कि दोनों जो भाषाएं हैं वो अपनी संस्कृति के साथ तो जिंदा रही, लेकिन एक मिश्रित संस्कृति के साथ वो जिंदा नहीं रह पाई। तो दूसरी बात कि संस्कृति और शिक्षा के अगर हम अंतः संबंध के बारे में बात करें, तो यहाँ भी भाषा एक महत्वपूर्ण घटक है, यहाँ भी भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर भाषा और संस्कृत, संस्कृति और शिक्षा के प्रमुख घटकों की बात करें, तो जो उसके प्रमुख घटक हैं, जो उसके प्रमुख कंटेंट हैं,
उसमें एक्सेसिबिलिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है कि आधुनिक जो शिक्षा है उसकी उपलब्धता उस भाषाई संस्कृति में कितनी ज़्यादा है, उस भाषा की स्वीकार्यता कितनी है, और उस भाषा की स्वीकार्यता के साथ उस भाषा में हमारे पास कितनी सामग्री उपलब्ध है। अगर हम उच्च शिक्षा में उस भाषाई संस्कृति को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हमको इन घटकों पर विचार करना पड़ेगा और इनके प्रभाव को देखना पड़ेगा कि ये कितने प्रभावी ढंग से हमारी संस्कृति का, जो एक भाषाई संस्कृति जो जन्म लेगी, उस पर असर डाल सकती है। तो इन सभी घटकों पर अगर आप विचार करेंगे तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि भाषा केवल संप्रेषण का साधन ही नहीं है, एक नहीं है कि एक कम्युनिकेशन का हमारे पास साधन है, एक संवाद का साधन है, एक अभिव्यक्ति का साधन है, एक सुंदर परिकल्पना है, सिर्फ यही नहीं होगा, बल्कि अगर आप इसके अंतर संबंध पर गौर करेंगे तो ये एक एकात्मता पैदा करेगी, एक यूनिटी पैदा करेगी, और उस यूनिटी के प्रभाव से एक राष्ट्रीय भावना का विकास होगा, और उस वो राष्ट्रीय भावना का जो विकास होगा वो भाषा और उसकी संस्कृति को बढ़ाने में एक बहुमूल्य योगदान देगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भाषा और जो उसकी संस्कृति है, जो थी, अगर हम 18वीं शताब्दी से भी बात करें तो उस संस्कृति को हमको फिर से अपनाना पड़ेगा, इसलिए कि बहुभाषी समाज में जो हमारी संस्कृति है या जिस सांस्कृतिक विरासत की हम बात करते हैं, तो उस समाज में भाषाई विविधता को अगर एक संसाधन मान लिया जाए तो इसमें इसके अंदर जो छिपी हुई संभावना है हमको इसको पहचानना होगा, इसको उजागर करना पड़ेगा और इसकी संभावनाओं के दरवाजों को और ज्यादा विकसित करते हुए और चौड़ा करते हुए और हमको इसको खोलना पड़ेगा, इसको वाह करना पड़ेगा, तभी हम एक ऐसी भावना को जो राष्ट्रीय भी हो, पूरी तरह से सुसंगत भी हो, पूरी तरह से सुसज्जित भी हो, उस भावना को, उस संस्कृति को पैदा करने में सफल हो पाएंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया होगा, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अगर कोई प्रश्न आप मुझसे करना चाहते हैं तो मुझे इसके लिए बहुत खुशी होगी, उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया, मेरी आवाज जा रही है? बहुत बहुत आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े ही कम समय में बहुत ज्यादा बातें बताई हैं, संस्कृति और भाषा का अंतर संबंध बताया आपने, और आपने बताया किस तरह मानव क्रियाकलापों का परिणाम ही संस्कृति है, और हिंदी उर्दू संबंध, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपने बताई कि 18वीं 19वीं शताब्दी की जो संस्कृति थी वो उस संस्कृति को फिर से अपनाने की जरूरत है, ये सारी बातें आपने विस्तार से बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब वर्मा सर जुड़े हैं, डॉक्टर एस एन वर्मा जी जुड़ गए हैं? हाँ सर जुड़े हैं। हाँ तो मैं वर्मा सर के बारे में बता ही चुका था, आपका परिचय मैंने करा दिया था, अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज आप अपनी बात रखें। डॉक्टर एस एन वर्मा जी सर आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, सर अपने आप को अनम्यूट कर, हाँ अब आप बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। जी जी आ रही है, आप आवाज आ रही है? शुरू करें। हाँ आवाज आ रही है आपकी, अच्छी आवाज आ रही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेंद्र जी, इस वेबिनार गोष्ठी के संयोजक और आयोजनकर्तागण को बहुत बहुत बधाई इस विषय पर वेब गोष्ठी आयोजित करने के लिए। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्राचार्य मैडम, सहयोगी प्राध्यापकगण, सभी को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। और मैं इस संगोष्ठी में ऐतिहासिक पक्ष पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, रविंद्र जी ने जैसा कहा था, बहुत सारी बातें इसके पहले की गई और विश्वजीत जी ने तो जैसे हम लोगों को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति से जोड़ ही दिया था, वहाँ पहुँचा दिया था, निश्चित रूप से वहाँ की संस्कृति में
कुछ अच्छाइयां हैं जिनका की संकेत विश्वजीत जी ने किया, और वो अच्छाइयां हमारे समाज में है। और यही वजह है कि शायद पूर्वोत्तर भारत में चले जा रहे हैं, तो पुनः इस क्षेत्र में आने के लिए कम ही सोचते हैं। उनके मन में ये होता है कि यह क्षेत्र बहुत अच्छा है। कुछ अच्छाइयां जरूर हैं, इसको हर आदमी स्वीकार करे। शायद इसी अच्छाइयों की वजह से ही हमारी सरकार, हमारे मंत्रालय, इसका उल्लेख कनौजिया जी ने किया था कि एचआरडी मिनिस्ट्री और पर्यटन मंत्रालय हमसे कह रहा है कि आप उत्तर प्रदेश का मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से टाइप है, वहाँ के महाविद्यालय के छात्रों से संपर्क करके आपको अपनी संस्कृति का प्रसार, उनकी संस्कृति के बारे में ज्ञान ले आना है और यहाँ से उनके पास अपना ज्ञान देना है। अब इससे बढ़िया माध्यम कोई हो नहीं सकता था कि यहाँ का कोई आदमी जा करके वहाँ की संस्कृति के बारे में बताए। यह एक अच्छी बात थी और जिसको कि विश्वजीत जी ने हम लोगों को अवगत कराया। साहिद भाई ने हमारे कुछ समय के सहयोगी रहे, विश्वनाथ सर ने भी बहुत सारे आस्पेक्ट पर बात की। साहिद भाई का कहना यह था कि जो संस्कृति है, जिसको हम कहते हैं कि यह भारत की संस्कृति है, उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता उभर कर आती है वह है विविधता में एकता की। यह सामान्य सा निष्कर्ष है, इसको सब लोग मानते हैं। लेकिन इसका जो एक खतरे का बिंदु है वह यह संकेत करता है कि कहीं किसी न किसी संस्कृत के डोमिनेंस की बात करके हम भारतीय संस्कृत की बात तो नहीं कर रहे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम भारतीय संस्कृत कहते हैं तो उसमें दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और आपके गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक, जिनका अभी यहाँ उल्लेख होना है, उसमें संस्कृत का जो वोकल पक्ष का मतलब कि जिसको हम ट्रांसमिट कर पाते हैं, उस ट्रांसमिट करने वाले पक्ष पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसका संकेत साहिद भाई ने किया। एक बिंदु यह जरूर है कि अगर उत्तर प्रदेश का ही किसान बुंदेलखंड के किसान से ठीक से बात नहीं कर सकता, अपनी भाषा को, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से उस संस्कृत समन्वय की जो बात की जा रही है या उस संस्कृत की एकता की बात की जा रही है, वह इन दूर दराज के क्षेत्रों में थोड़ी और कठिन हो जाएगी। एक बिंदु तो यह है। दूसरा बिंदु मैं ये कहना चाहता हूं कि उस संस्कृत में बहुत सारे अवधान हैं, बहुत सारे उसके स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जब अयम निजा चरो करो वेद गणना लब्धेत साम कहा गया, वही संस्कृत आज तक चली आ रही। अगर वही संस्कृत चली आ रही है तो इतना जो व्यामोह फैला है, इतना जो विचलन है, वह क्यों है? वसुधैव कुटुंबकम कहने से ही अगर यह सारी दिक्कत हो रही थी तो हमारा आंध्र प्रदेश अलग कैसे है, बिहार अलग कैसे है, महाराष्ट्र अलग कैसे है, यह विसंगत क्यों आती है अगर संस्कृत की एकता कहीं से उसको परिपोषित करती हुई दिखती। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि उसका जो बाइंडिंग फोर्स है, जो उसका एडहेसिव फोर्स है, उस एडहेसिव फोर्स पर शायद और अधिक काम करने की जरूरत है। और वो एडहेसिव फोर्स इस तरह से नहीं पैदा की जा सकती कि हम संस्कृत की बात करें, अवधि की बात करें, या इस तरह की कोई एक भाषा की बात कर लें जिसको कि हम कहें कि उस भाषा को ही सारे लोग सीखें। ये प्रयास हुआ भी था, आप सारे लोग जानते हैं कि आजादी के बाद यह सवाल उठा कि एक राष्ट्रभाषा बना दी जाए, और वो भाषा का सवाल अटक गया और उन्हीं क्षेत्रों से अटका जहां की हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, उनके यहाँ दूसरा चलता था, संस्कृत उनकी जरूरत थी,
संस्कृति के अलगाव के बल पर अगर कोई अगर भाषा की बात करने लगेगा तो उसका समाधान खोजना इस देश के नियामकों को होगा। और बहुत कुछ बौद्धिक स्तर पर इस जो लोग एकेडमिया से जुड़े हैं, शैक्षिक जगत से जुड़े हैं, उनको भी खोजना होगा। अगर इस तरह की बातों पर थोड़ा जोर दिया जाए, उसके लिए थोड़ा पीछे चला जाए, तो हमें रेसिप्रोकल होना पड़ेगा। रेसिप्रोकल होने के लिए हमें यह करना होगा कि हम दूसरी भाषाओं को भी जानें। अखिलेंद्र जी जानते होंगे कि सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के साथ भारतीय भाषा विज्ञान विभाग खुले, तो जो भारतीय भाषा विज्ञान विभाग खुले उन विभागों में भारत की भाषाओं की कितनी पढ़ाई हुई या कितना उसके बारे में गैर भाषा भाषी यानी कन्नड़ की पढ़ाई हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होती है, तो इलाहाबाद के कैचमेंट एरिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो कन्नड़ पढ़ना चाहते, और उसका एक जो एस्पेक्ट है वो रोजगार से या उसकी व्यवहारिकता से उसकी उपयोगिता से जुड़ता है, एक अलग उसका है जिस पर की विचार किया जाना चाहिए। लेकिन जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जिस राष्ट्रीय एकता एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की बात की जा रही है, वहाँ पर इस तरह के प्रयास से एकता स्थापित की जा सकती है, जो कि शायद एजुकेशन मिनिस्ट्री और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है। एक बिंदु मैं पूर्वोत्तर के संदर्भ में और कहना चाह रहा था, क्योंकि समय का जो अलाटमेंट था उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा विचलित हो गए हैं, तो पूर्वोत्तर के संदर्भ में यह बात थी, जैसा कि विश्वजीत जी की बात से कहा था कि असम का, जिसको कि सारे पूर्वोत्तर के राज्यों का फादर स्टेट कह लें या मदर स्टेट कह लें, उसी से सारे सातों राज्य बने, सेवन सिस्टर्स बनी, और उसमें सिक्किम को शामिल नहीं किया गया। सिक्किम की अलग संरचना की वजह से उसको अलग रखा गया, और जो और राज्य हैं उन सबको शामिल किया गया, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सबका, असम का, इन सबके बनने की प्रक्रिया अगर आप देखें तो इस प्रक्रिया में ज़्यादातर राज्य आज़ादी के बाद बने। वो सब विश्वजीत ने बताया, पहले सब असम के नाम से ही जाना जाता। एक सवाल इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते उठना चाहिए कि क्या असम का दिल्ली से दिल का रिश्ता रहा है या नहीं रहा। मुझे लगता है कि इतिहास इसकी तरफ थोड़ा संकेत कम करता है। विश्वजीत जी ने कहा कि प्राग ज्योतिष कहा जाता, जिस वैदिक काल की हम लोग चर्चा करते हैं, उन्होंने भी कालिका पुराण और उसकी बात की, वहाँ से भी कोई बहुत डायरेक्ट लिंक नहीं बनता। ये भौगोलिक जो हमारा लगाव है, जो भौगोलिक सीमा लगी हुई है, उसके अलावा जो राजनीतिक सीमा है, वहाँ उन्होंने कहा एक अरण्य संस्कृति है, उसकी जो सांस्कृतिक बनावट है वह दिल्ली के दिल से, या कहिए उत्तर भारत की संस्कृति, जिसको कि हम भारत की संस्कृति मानने का कभी कभी भ्रम कर बैठते हैं, उस संस्कृति से कितना मेल खाता है। जो इसका सर आप म्यूटेड हो गए हैं, सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कि दिल्ली से कभी उनका बहुत नजदीकी रिश्ता नहीं बनता, और जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलना शुरू होता है वह समुद्रगुप्त के समय से मिलता है, जिसका कामरूप उल्लेख है, ने बताया भी कामाख्या देवी और उसकी संस्कृत का। लेकिन वहाँ भी जो भारत की केंद्रीय सत्ता थी, उस केंद्रीय सत्ता से उनका लगाव जुड़ा हुआ नहीं लगता है।
कभी कभी ये लगता है कि जब हमारा दक्षिण भारत और जो और क्षेत्र हैं अगर वो संस्कृत से अलग हैं या उसकी राजनीतिक सत्ता से बाहर हैं तो हम अपने देश के इस पूरे संस्कृति को भारतीय संस्कृति या इस पूरे देश के इतिहास को भारत का इतिहास कह करके कोई भूल तो नहीं करते। लेकिन एक ऐसा वर्ग है एक ऐसा समूह है जो कहता है नहीं, इस भौगोलिक एकता को ही हम राष्ट्र के रूप में परिभाषित करें और उसको देश को रखा जाए। तो बात समुद्रगुप्त से आरंभ होती है, उसमें उनके प्रयाग प्रसंग में उल्लेख है समतट जवाब के साथ कि कामरूप भी एक क्षेत्र था जिसको समुद्रगुप्त ने जीता। जो इसके पहले पुराणों का रचनाकाल कुछ लोग पहले कुछ लोग बाद का मानते हैं, अगर हम समकालीन भी माने तो उन पुराणों में भी जैसे भागवत पुराण में इसका उल्लेख है कि कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध की शादी उषा से हुई थी और वो उस क्षेत्र की रहने वाली थी। तो यह एक संबंध बनता है, विशेष संबंध जो है वो काल के बाद बनते हैं। हर्षवर्धन के शासक बनने के बाद भास्कर वर्मन और प्रभाकर वर्मन का नाम आता है। तो ये कहा जाता है कि उसी क्षेत्र के कामरूप के शासक थे और उस समय से तब मुझे लगता है कि पूर्वोत्तर भारत का नॉर्थ इंडिया की जो टिक्स है उसका लिंक बनता है। यह लिंक आगे भी बना रहता है थोड़े अंतराल या थोड़े विचलन के साथ। 12वीं शताब्दी में आते आते वहाँ पर अहोम वंश की स्थापना होती। यही अहोम वंश जो है वो यह कहा जाता है किसी अहोम वंश के नाम पर ही असम नाम पड़ा। और आप सभी जानते हैं कि ये वह समय था जबकि इस्लाम की स्थापना भारत में हो चुकी थी। एक सवाल यहाँ मैं और उठाना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम संस्कृत भारतीय संस्कृत का अंग है या नहीं है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि जो असम में संस्कृत आई थी, जो अहोम राजाओं ने संस्कृत लाई, वह संस्कृत मंगोल संस्कृत की, वो मंगोलों से अपना इनहेरिटेंस जोड़ते थे जो बर्मा की सीमा पर रहती थी जात शान जात, और उस जात को लोग आकर के यहाँ पर रहे और उन्होंने अपना सामंजस्य स्थापित किया। यह जरूर है कि धीरे धीरे वो संस्कृत का मेल भारतीय संस्कृत से होता गया। देवनारायण, रघु, स्वर्गनारायण इस तरह के नाम राजाओं के हैं। और यह शंकर का समय आता है जिसको मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के उस धारणा का प्रचार करते हैं। लेकिन सवाल यही एक फिर उठता है कि शंकर देव की भाषा क्या उसी मध्य देश की भाषा थी या उसी उत्तर भारत की भाषा थी जो कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख भक्ति आंदोलन की प्रमुख भाषा बनी हुई थी। तो इसका उत्तर नहीं, शंकर देव समिया भाषा में भाषा अपनी बातों को रख रहे थे। इसके बाद जब पूरा सल्तनत काल है, बंगाल स्टेट बन जाता है, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाती है और मुस्लिम शासक वहाँ पर आ जाते हैं, अलाउद्दीन शाह, इन सब समय में वहाँ के शासकों से संघर्ष होते रहते हैं। औरंगजेब के समय, अकबर के समय में भी वहाँ से लिंकेज स्थापित होते हैं। अंग्रेजों के आने बाद भी कुछ हुआ कि अंग्रेज आए तो उन्होंने दिया, तो अंग्रेजों के आने के बाद चूंकि अंग्रेज बर्मा पर अपना टारगेट रखते थे तो जब पहली बार बर्मा के साथ युद्ध हुआ तो असम को जानबूझ करके उन्हें छेड़ना पड़ा। पहला बर्मा युद्ध जब 1824 ईस्वी में हुआ और 28 में खत्म हुआ तो जो उत्तरी मतलब सीमा थी अराकान की, तेंसरीम की, वो सीमा पर अंग्रेजों नियंत्रण होने लगा। और यहीं से आप कहिए कि जो दिल्ली से दिल का रिश्ता जुड़ने की या दिल्ली से जो राजनीतिक एकता का सूत्र जुड़ने की बात होती,
और वह एकता फिर लाल डलहौजी के समय में और मजबूत होती है, लोअर वर्मा पर अधिकार हो जाता है, पिगू पर अधिकार हो जाता है, लेकिन असम की एक स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है, स्वतंत्र राज्य के रूप में उसका निर्माण बना रहता है। जब आज़ादी मिलने को होती है तो हमारा जब स्टेट्स डिफाइन किए जाते हैं तो वहाँ भी असम को एक सेपरेट स्टेट डिफाइन किया जाता है। 46 में आप सभी जो जानते हैं कैबिनेट मिशन आया, तो जो ग्रुप सी बना, ग्रुप सी में असम को और इन सारे बंगाल के प्रदेश को रखा गया। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना और उसमें सारी चीज़ें आई तो और फिर धीरे आज़ादी के बाद 63 में नागालैंड, 72 में मणिपुर, 73 में मेघालय में मिजोरम प्रदेश बनते हैं, तो यह पूर्वोत्तर का जो मानचित्र है वो बनता है। उसका जो हमारी भारतीय केंद्रीय सत्ता, उस केंद्रीय सत्ता से एक मेल मिलाप होता है। तो मैं यही कहना चाहता था कि ऐतिहासिक क्रम से भी यह क्षेत्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तैयार कर लिए या उन संस्कृतियों को समान आदर देने की बात न करके एक संस्कृति के वर्चस्व की बात करनी शुरू कर दी, उसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें हुई और एक कोई ऐसी पॉलिसी बन पाई। लग रहा है सर तेरा अनम्यूट हो गए। हेलो हेलो सर, का नेटवर्क कट गया। कट गया है? हाँ, नेटवर्क शायद उनका कट गया है। बस लगभग उनका उनकी बात पूरी भी हो गई थी, तो आगे जो है प्रोग्राम को बढ़ा दीजिए। तो वापस आ गए सर, वापस आ गए। हेलो। हाँ सर, कंप्लीट डिस्टर्ब हो गया था। बोलें जी, अप्लेंदर जी। हाँ बताएं, बोलें बोलें जी सर, जी सर बोलें। तो ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि इस तरह की जो नीतियाँ थी, जिन उन नीतियों में अगर परिष्कार का समय आ गया है तो उन परिस्थितियों, उन नीतियों का परिष्कार करके पूरे भारत, पूर्वोत्तर ही नहीं, ये दिक्कत हमारे दक्षिण के राज्यों से भी है। आप स्टेशन पर जाइए, दक्षिण के राज्यों में अगर अनाउंसमेंट आपको वहाँ की भाषा में लगे तो आपको ये लगता है कि हम किसी और देश में तो नहीं आ गए। ये बात आप बंगाल भी जा करके महसूस कर सकते हैं कि कहीं से हमें कोई एक ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी भाषा नीति, कोई ऐसी चीज़ डेवलप करनी चाहिए जो कि हमारी एकता के बोध को स्पष्ट कर सके। मेरा मानना यह है कि अब सिर्फ यह कहने से कि संस्कृत ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वही सबसे प्रमाणिक है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है, उसी से लोगों को जुड़ा जा सकेगा। तो संस्कृत ग्रंथों का या संस्कृत भाषा का जिन क्षेत्रों में इस्तेमाल नहीं होता है, जिन आदिवासियों में वो संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जिसका अरण्य संस्कृत उल्लेख किया जा रहा था, अगर उन संस्कृत की तरफ जाएंगे तो हमें उसके व्यामोह से या उसकी जो कमजोरियां हैं उससे हमें रूबरू होना पड़ेगा। तो यह दक्षिण से लेकर के उत्तर तक की सारी भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संस्कृत का ज्ञान अर्जित कर और उसको अंतर विषयक या अंतरजंतरीय, अंतर प्रांतीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से अगर परिचित कराया जाए तो मुझे लगता है कि यह सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो अभी तक स्पिरिचुअल है वो वोकल भी हो सकेगा। जो हमारा संबंध है अभी तक हमें लगता है कि आध्यात्मिक है, वह वाचिक रूप में भी आ सकेगा। मैं समझता हूँ कि जिस वाचिक रूप में आने की आवश्यकता है वह इसी तरह के कार्यक्रमों से ही संभव है। इसलिए अपने दिल को कभी भी छोटी बातों से न चिड़चिड़ा करिए, छोटी बातों को भूल कर दिल को बड़ा कीजिए, दिल को अपने बड़ा कीजिए। तो
अगर मुख्य धारा के लोग अपने दिल को बड़ा करके उन संस्कृतियों को भी समाहित करने की बात करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की एकता और जो उसकी एकजुटता है वह स्थापित होगी। एक समाज तभी सशक्त बनेगा जब उस समाज के सारे वर्ग सशक्त होंगे। एक देश तभी विश्वगुरु बन सकेगा जब उस देश के सारे देशवासी सशक्त होंगे, सशक्त होकर के गुरु होने की स्थिति में रहेंगे। इस ज्ञान की असमानता से लोकतंत्र कमजोर होगा, इसलिए इस ज्ञान की समानता को स्थापित किया जाए। मैं उसके एकेडमिक लेवल की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारा ज्ञान तो हो उन क्षेत्रों के बारे में जो कि अभी भी हमारी पहुंच से दूर है, तो उस ज्ञान की समानता से हम अपने देश को मजबूत करेंगे, अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और उस ज्ञान की असमानता अगर है कहीं तो उस असमानता को स्वीकार करके इस देश को मजबूत कर सकेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता था। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। सभी अतिथियों को एक बार प्रणाम और सभी मित्रों को, अनुजों को आशीर्वाद और प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी। आपने बताया कि हमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुख्य धारा के जो राज्य हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और वहाँ की चीजों को उतना वो नहीं करते हैं, तो हमें उन्हें सम्मान देने की जरूरत है और उससे बात सम्मान देने से आपने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ और उनके आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों की स्थापना और वहाँ की संस्कृति और सारी चीजों के बारे में बातें रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम क्योंकि समापन की तरफ ही चल रहा है, हमारे सभी वक्ता बोल चुके हैं, मैं रविंद्र कुमार वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे अतिथियों, प्रतिभागियों और जो भी आयोजन से जुड़े हुए हैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करें। श्री रविंद्र कुमार वर्मा जी। धन्यवाद अखिलेन जी। मेरी आवाज आ रही है अखिलेन जी? आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। हाँ, आदरणीय एसएससी ऊर्जावान कर्मठ और हम सब के संरक्षक प्राचार्य मैडम जी, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित वक्तागण, समस्त विद्वज्जन, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के सुयोग्य कर्मठ नवचिंतनशील प्राचार्य मैडम के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिनके प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से यह वेबिनार आयोजित हो सका। हमारी प्राचार्य मैडम हमेशा हम लोगों को प्रेरणा प्रदान करती हैं और कहती हैं कि कुछ अलग कीजिए, और उनकी बातों को मैं दो लाइनों में स्पष्ट करना चाहता हूं। ये बात अलग है, तुम न बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। और उनका जो विजन है, उन विजन को मैं दो लाइनों में ही स्पष्ट करना चाहूंगा। यही जुनू यही ख्वाब है मेरा, यही जुनू यही ख्वाब है मेरा, मैं चिराग वहां जला दूं जहां अंधेरा है। मैं चिराग वहां जला दूं जहां अंधेरा है। इसके बाद मैं मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजय मिश्र के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम सब के लिए समय निकाला और अपने ओजपूर्ण विचारों से हमें लाभान्वित किया। कुछ तकनीकी समस्या के कारण हमसे लाइव नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास किया, अपना अपने विचारों को हम तक प्रेषित किया किसी अन्य माध्यम से। मैं जिसे भारत का उगता हुआ सूर्य कहा जाता है, मैं वहां से आए विश्वजीत कुमार
मिस्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस वेबिनार में उपस्थित होकर के हम सबको अपने विचारों से अवगत कराया, इस उन्होंने हमारा मान बढ़ाया और हमारे प्रतिभागियों का ज्ञान बढ़ाया। इसके लिए विश्वजीत सर आपको कोटि सा धन्यवाद। मैं काशी नगरी के वासी अपने अग्रज डॉक्टर सत्यनारायण वर्मा के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों से हम सबको अभिसिंचित किया। मैं डॉक्टर विश्वनाथ द्विवेदी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य एवं तार्किक विचारों से हम सबको लाभान्वित किया। मैं अपने इतिहास विभाग के प्रभारी डॉक्टर साहित्य परवेज के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनके विचारों से हम लोगों जिन्होंने अपने विचारों से हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया। मैं इस वेबिनार के संचालक डॉक्टर अखिलेंद्र प्रताप सिंह के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस वेबिनार का सफल संचालन किया। मैं महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों के प्रति दिल की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपको आप सभी ने हमें सुझाव दिया, सहयोग प्रदान किया, हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए आप सभी को कोटि सा धन्यवाद। मैं इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर, हम सब के मार्गदर्शक, संकट मोचक डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा का आभार प्रकट करता हूं जिनका हमें निरंतर सुझाव सहयोग प्राप्त होता रहता है। अतः मैं आपके प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर अतुल कुमार कनौजिया का इस वेबिनार के समन्वयक जो हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस वेबिनार को सफल बनाने का भरसक प्रयास किया। सर मैं आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, आपको कोटि सा धन्यवाद। इस वेबिनार में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जिन्होंने जिस तरह से अपना हमें योगदान प्रदान किया, मैं उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय गोहना मऊ का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने इस तकनीकी के युग में हमें तकनीकी प्रदान की, जो प्लेटफॉर्म जूम का था सर के सहयोग से ही संचालित हुआ। अतः महाविद्यालय परिवार आपके प्रति तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अंत श्री और इस सबके पीछे श्री चंद्रमौली मिश्र और हम सबके संकट मोचक तकनीकी के लिए संकट मोचक श्री आकाश जायसवाल जी, चाहे आधी रात हो चाहे जब भी हो, हम जब भी कॉल करते हैं वो तैयार तत्पर मिलते हैं, हम उनके प्रति भी विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। अंत में उन सभी के प्रति आभार प्रकट करना कर रहा हूं जिन्होंने पूर्ण मनोयोग से इस वेबिनार को सुना और प्रतिभाग किया, कारण उनके बिना यह वेबिनार सफल होना संभव नहीं था। महाविद्यालय की छात्राओं के प्रति भी छात्राएं भी साधुवाद की पात्र हैं जिन्होंने पूर्ण मनोयोग से इस वेबिनार में प्रतिभाग किया। और अंत में दो लाइनें कहूंगा, आलोचना वाजिब है जरूर होगी, कमी हमारी है और हम ही से दूर होगी। धन्यवाद अखिलेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सफल आयोजन के बाद हमें अपनी आदरणीय प्राचार्य मैडम से, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्ष भी हैं, जो अध्यक्षता कर रही हैं, आपसे अनुमति लेकर के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े, आपने बड़े धैर्य से सुना। अखिलेंद्र जी, अखिलेंद्र जी, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत। अच्छा अच्छा ठीक है, वो उसमें नहीं था ना, आप जो भी अच्छा, मैं ध्यान नहीं, सूचना है, फीडबैक लिंक आज आपको शाम को अथवा कल सुबह तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फीडबैक लिंक फॉर्म जैसे ही आप भरेंगे तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो शाम तक अथवा हम सुबह तक डालेंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप अथवा जो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं उससे आप बाहर मत होइएगा, उससे जुड़े रहिएगा जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है।
मेरी पूरी कोशिश है कि अगले दो तीन दिनों में आपको सर्टिफिकेट प्रदान कर देंगे। धन्यवाद। अब मैं अपने तकनीकी सहयोगियों से वो निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रगान होना है और राष्ट्रगान प्रस्तुत करें। हेलो मैडम, कोई और सूचना हो अथवा आप अनुमति प्रदान करें। हेलो अखिलेन जी, मैडम से अनुमति। हाँ मैं मैडम अनुमति दे तो ये वेबिनार। हेलो मैडम, जाने का मन नहीं कर रहा किसी का। सबको धन्यवाद। प्रवीण जी। हाँ सर। मीटिंग को स्टॉप करिए। ठीक है, स्टॉप करिए मैडम, कहने कह दिया। अच्छा अवनी सर। हाँ सर, ठीक है, क्लोज करें सर। थैंक यू सर, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद एक बार पुनः।